कृपा सिंधु
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवदुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीशभूमिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्ताभीमपरादलक्षणी काशिकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। हे सर्व साई करी चरण वंदन जाहित विघ्न नाश अभीष्ट भुवन। तमादि देवं करुणा निदानं कमाल वर्णं सुविदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतं स्वरूपं। जन्म प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन व्यः कातरभाजुभाव पुत्रीति तन्मयतया गर्भोदिनेभ्यं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाणतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधर शिवसदे गौरभक्तवृन्द इव नाथकुल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहनों सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत कथा की महिमा को। आप लोगों ने श्रवण किया है कहते कथा की इतने महिमा है। अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो उसका अगर मुक्ति नहीं मिलती है लेकिन उसको किसमें मुक्ति मिलती है बोलिए भागवत कथा से ही उसको मुक्ति मिलती है। मतलब है कथा कौन सुन सकते हैं बोले पापी से अगर पापी क्यों नहीं हो ये कथा को सुने ये कथा उसे भगवत प्राप्त कराते हैं। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं अरे हम सब पढ़ रखा है सुनी सुनाई कथा को हम कितना बार सुनेंगे हम तो बहुत बड़ा पंडित है। उसके लिए उदाहरण दिया बोले आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे कितने बड़े विद्वान हैं। ये सुखदेव गोस्वामी माँ की पेट में ये 16 साल तक रहे वो निकलना ही नहीं चाह रहे थे। पेट में बैठे बैठे तो भजन कर रहे थे और उन्होंने जन्म हुए तो वो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे
सब छोड़ करके जंगल में चले गए और ब्रह्म में एकदम डूबे हुए थे। लेकिन भागवत कथा की इतने महिमा, जब केवल एक श्लोक उनको कानों में पड़ा वो मालूम हो गए और सारे ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने त्याग दे करके ये कथा को साथ साथ दिन तक उन्होंने कथा को बोले। तात्पर्य है कहते पंडित से पंडित क्यों नहीं हो, विद्वान से विद्वान क्यों नहीं हो, ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, वो भी ये भागवत कथा को सुन सकते, सभी कथा सुनने का अधिकारी है। अब यहाँ प्रश्न होता है, बोले भैया कथा सुने कहाँ से? उदाहरण दिया जैसे समुद्र मंथन से वहां से बीज भी निकला और समुद्र मंथन से वहां अमृत निकला, दो चीज निकली, पहले तो बीज निकला बाद में फिर अमृत निकला। कहते ये कथा से भी बीज निकल गए और कथा से भी अमृत निकल गए। बोले इसमें बीज कब निकले और अमृत कब निकले? बल अगर कोई अभक्त से अगर कथा सुना, जो वैष्णव नहीं जो भक्ति नहीं करते हैं, केवल कथा को एक बिजनेस जैसे बनाए, फिर वहाँ से कथा सुनो ना, क्योंकि हमारे हृदय में भक्ति कब आई? जो सुनाने वाले अगर उसकी हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम हो फिर तो हमें प्रेम भी मिलेगा। अगर उसकी हृदय में कोई गंदी चीज की हो, गलत भावना हो, फिर जो सुनने वाले व्यक्ति होगा उसका अंदर में भी भक्ति की भावना नहीं आएगी। उदाहरण दिया जैसे दूध, दूध नाम सुने हो, दूध पीने से क्या होता है? उदाहरण वृद्धि होगा, शरीर में ताकत आएगी, हैं तुम्हारे शरीर में एनर्जी ताकत आएगी। लेकिन वही दूध अगर सांप उसमें मुंह मार दे तो वो देखने के लिए तो लगेगा दूध है, लेकिन वो दूध का अगर पियोगे ना वो मृत्यु का कारण बनता, देखने के लिए तो डरता है दूध, लेकिन पूरा के पूरा उसको उल्टा रिएक्शन होगा। यहाँ पर बताए उसी तरह भगवान की कथा हमें क्या करेगा, ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट से निकाल करके हमें भगवान तक ले जा सकते, जीवन में आनंद और शांति देने वाले ये प्रभु की कथा है। लेकिन कहते अगर वैष्णव नहीं हो, अभक्त नहीं हो, अगर कथा को बिजनेस जैसे बनाया हुआ हो, कहते कथा सुनने से पहले हमारी कल्याण नहीं होगी, क्योंकि वक्ता के हृदय में जो भावना वो श्रोता को हृदय में कोई भावना है। इसलिए कथा कहाँ सुननी चाहिए? बोले भक्तों से वैष्णव से कथा सुननी चाहिए, तभी हमारी ये कल्याण हो सकती है। तीसरा विषय बताए, बोले भागवत में भैया विषय क्या है? बोले भागवत में कोई साधारण विषय वस्तु नहीं, इसमें बड़ी हाई हाई विषय है। बोले किसकी कथा है? बोले आराध्य भगवान प्रजे संतनय भागवत में विषय क्या है? बोले भगवान कृष्णचंद्र की कथा, भगवान श्री बांके बिहारी की कथा इसमें है। बोले भगवान को भक्ति, भगवान को भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले यद्यपि भगवान की भक्ति सब भक्तों ने किया है, भगवान की पांच तरह का भक्त है। कितने तरह के? कितने तरह के भक्त है? कहते पांच तरह का भगवान को भक्ति करते हैं। पहला जो भक्ति है शांत रस में, दूसरी जो भक्ति है ये दास्य रस में सेवक भाव से, तीसरी जो भक्ति वो सख्य रस से भगवान को अपना सखा मान करके, जो चौथा जो भक्ति वो वात्सल रस से, जैसे माँ यशोदा कृष्ण को अपना बेटा मानती थी और उसको दूध पिला देती, मक्खन पिला देती, हैं कहता भैया वही मैं नहीं माँ कहने खाए। इसलिए जैसे माँ एक बच्चे को जैसे प्यार करती है ऐसे करती थी, कहते इसको वात्सल रस कहते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ जो रस है वो श्रृंगार रस,
श्रृंगार रस मतलब होता है गोपियां जैसे राधा रानी जैसे कृष्ण को अपना प्रियतम मानते थे। तो ये जो भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ी भक्ति दुनिया में कुछ नहीं है। ये गोपियों ने जैसे भक्ति भक्ति की, यदि ये भागवत ग्रंथ में तब उनकी भक्ति की विषय में आती है। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति जब उन्होंने ब्रज में गए और उन्होंने गोपियों की भाव को दर्शन किया, वो देख करके बोले उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाय दुख भी और बाजे प्रेम की बोल। इसलिए उनकी प्रेम को देख करके उद्धव जैसे व्यक्ति भी उनकी चरण की धूली और उनकी भक्ति को उन्होंने प्रार्थना किया है। इसलिए भागवत में विषय वस्तु बड़ी हाई हाई विषय है। ये गोपियों की जो विषय भक्ति है और राधा रानी की जो भक्ति, ये भागवत में ये विषय वस्तु है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे दो ग्रंथ में भागवत की महिमा आई है। फिर एक है पद्म पुराण में और दूसरी है स्कंद पुराण में। कल हम लोगों ने जो धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा सुनी, ज्ञान वैराग्य की कथा सुने, ये पद्म पुराण में इसकी कथा है। एक ग्रंथ है उसका नाम स्कंद पुराण। बोले स्कंद पुराण कभी भगवान की ये भागवत की महिमा वहां पर हुई, हम थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, मैया कुंती भी उसी समय अपना शरीर को त्याग दी। बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर ये शरीर धारण करके चला, मतलब उनका जो प्राण है वो भगवान कृष्ण में ही टिका हुआ था। शिक्षा देती है तभी ये जीवन धारण करना सार्थकता है। अगर ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति अगर हो, अगर भगवान की भक्ति अगर इस जीवन में नहीं हो रही है, वो शिक्षा देते हैं फिर ये जीवन धारण करना हमारे बेकार है। रहना और नहीं रहना चलिए बराबर है। अभी पांडव लोग अभी दुनिया को त्याग दिया, बल्कि जब कृष्ण ही नहीं रहे पर ये संसार में रहने का क्या मतलब है। पांडव लोग भी संसार को उन्हें त्याग दे दिया, लेकिन वो जाने से पहले वृंदावन का जो राजा बज्रनाभ को बनाया और इंद्रप्रस्थ का राजा उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को बनाया। एक दिन श्री परीक्षित महाराज बज्रनाभ से मिलने आए। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना, तुम्हारे देश में सब कुशल मंगल है, बोले आपका आशीर्वाद से सब करिया है, लेकिन एक चीज की कमी मेरे को महसूस होता है। बोले किस चीज की। बोले ये वृंदावन में कोई है नहीं, राजा तभी शोभा देता है जब प्रजाए हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं। जैसे भगवान राम जब ये दुनिया छोड़ कर गए वो अकेले नहीं गए। अब लोग रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे, सबके सबके देखे ना। भगवान राम जब गए और सरज नदी में सबके सब स्नान किया और दूसरे तरफ में वैकुंठ से विमान आ रहे और सबके सब शत्रुभुज रूप धारण करके दिए और सबके सब से ठाकुर को पास निकले, कोई नहीं थे, पूरा अयोध्या प्रभु लेकर गए। उसी तरह जब कृष्ण ये संसार से गए वो अकेले नहीं, ब्रज के सब जितने ब्रजवासी थे वो सबको लेकर के ठाकुर जी चले गए, कोई वृंदावन थे नहीं। क्योंकि वहाँ के जो कीड़े मकोड़े जो पशु पक्षी है ना वो भी सबके सब भगवान कृष्ण के दास है, सब भक्त थे, सबको लेकर गए। भले ये वृंदावन में कोई है नहीं, इसलिए मेरा मन तो बड़ा उदास है, मन लगी ही रहा है, मेरा मन बड़ा उदास मन है। लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण तो एक स्वरूप में गए लेकिन कृष्ण दूसरे स्वरूप में अभी है। कृष्ण खुद कहते हैं मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाता है, हर समय मैं वृंदावन में रहता हूँ। इसलिए वृंदावन में उनको ये रहस्य पता है, कृष्ण कहीं भी नहीं गए। लेकिन ये रहस्य किसको पता, बोले सांडिल्य ऋषि को। बोले सांडिल्य ऋषि को बुलाओ,
सांकेल्य ऋषि को बुलाए, पर आप इनको थोड़ी वृंदावन की कथा सुनिए, ये वृंदावन क्या है। तो सांकेल्य ऋषि कहते, देखो भगवान की दो तरह का लीला, एक तो उनको वास्तव लीला सही लीला और एक उनको साधारण व्यवहार लीला। साधारण रूप में देखो कृष्ण चले गए, लेकिन सही सही देखो ना कृष्ण कहीं भी नहीं गए, वृंदावन कौन बन गए हो, हाथ उठा कौन कौन वृंदावन गए, आप वृंदावन गए नहीं, ये बोलो और कैसे हो, इसलिए आप वृंदावन में गए ना, वृंदावन में दो बन है, एक निकलू बन और एक निकुज बन, दो बन है, देखे कि नहीं दोनों बने, देखे हो एक निकलू बन और एक निकुज बन, यहाँ पर दो बन है, बोले दो बन में आप देखना है, वो जो शाम होते ही ना, वो जितने बंदर वृंदावन में बहुत सारे बंदर है, जितना शाम होते ही वो बंदर एक एक करके निकल जाते हैं, उनको कोई निकालते नहीं, वो अपने आप निकल जाते हैं। रात को वहाँ पर ठाकुर जी की फूल की सज्जा लगाते हैं, लोटे में पानी रख लेते हैं, दांतन रख लेते हैं, लड्डू रख लेते हैं, और सवेरे जा करके देखो ना, कभी लोटे में पानी नहीं पिएगा, ऐसे लगेगा जो फूल की सज्जा लगाए रात को कोई उसमें सो करेंगे। अगर कोई चोर जबरदस्ती लूट जाएगा, बोले हम प्रभु की लीला देखेंगे, वो गुंडा बन जाएगा नहीं तो बन जाएगा, वो मन को उसको पास में अपना मंदिर गुरु जी के मंदिर में, मैंने तो दो घटना देखी, एक बूढ़ी माता जी को देखा तो मरते थे, और एक व्यक्ति को देखा सवेरे गुंडा बना हुआ, मैंने स्वयं ये दो घटना देखी। अभी जिनको विश्वास नहीं होता है ना भगवान है कि नहीं, उनको बोल कर एक बार वृंदावन में जाए और ये बन में एक रात रह देता है, उनको पता चलेगा ठाकुर है क्या नहीं, अपने आप उनको पता चल जाएगा है। इसलिए अभी भी श्री सांकेल्य ऋषि कहते हैं वज्रनाभ कृष्ण कहीं नहीं, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में, लेकिन हमें दिखती नहीं कर क्यों, कारण क्या, बोले कारण है इन्हीं आंखों में जब तक प्रभु की प्रेम की अंजन नहीं लगाओ, लेकिन हमारा आंखों में क्या चीज है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर क्या हमारी आंखों में, इसलिए इन्हीं आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं होता है। इसलिए जब श्री हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को बताया, बताओ तेरे प्रभु कहाँ है, बोले पिताजी ये तो बताओ मेरे प्रभु है नहीं कहाँ, तो बताओ, बोले ये खबर में क्या है, बोले मेरे को दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हुए, बोले मेरे को क्यों नहीं दिखता है, बोले पिताजी आपका आंखों में ये काम क्रोध लोभ से भरा हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहा है। हिरण्यकश्यप बोला तेरे प्रभु को पहले दिखाऊंगा, बाद में तेरे को दिखाऊंगा, उन्होंने मुष्टि का घात मारे, मारते ही खंभा तो फट गया, साक्षात नरसिंह भगवान वहां प्रकट हो गए, बोले श्री नरसिंह के भगवान की। इसलिए यहाँ पर सांकेल्य ऋषि कहते हैं ये भगवान की कण-कण भगवान है वृंदावन में, कृष्ण कहीं भी नहीं गए। इसलिए देखो आपको एक सही घटना सुना था, ये 50 साल पहले का घटना है, बोले एक समय एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी का नाम थी ईश्वरी, लेकिन वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और बड़ी पति प्रदा से थी, पति की बहुत ही सेवा करती थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद में कोई कठिन बीमारी हुई, वो बीमारी में उसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन पति उसको ऊपर बहुत ही आसक्त था, लेकिन जब उसने शरीर छोड़ दी अभी तो वो पत्नी की चिंता करते करते बेटो पागल हो गई, अब दिन रात हाथ ईश्वर को कहाँ चले गए, हाथ ईश्वर को कितनी अच्छी थी, हाथ ईश्वर को कितना बढ़िया खाना बना दिया, अभी पागल होकर घूमते घूमते कैसे आ गया वृंदावन में, अभी वृंदावन में रात भर उसको नींद नहीं, वो हाथ ईश्वरी बुला रहा है, लेकिन वृंदावन में ईश्वरी राधा रानी को बोलती है, अब वृंदावन में जो सबको कृष्ण को राधा जी ईश्वरी ईश्वरी जी कह दी, अभी भगवान की जो रास है ना वो चार तरह का भगवान का रास है, एक रास है भगवान की उसको कहते नित्य रास, भगवान अभी भी वृंदावन का रोज रास करते हैं,
हमारे मंदिर के पास में जो टोपी पूज्य है, टोपी पूज्य है वहाँ पर रोज रोज अभी भी रास करते हैं, अभी रोज रोज वहाँ रास होता है, अभी भगवान रोज रास रचाते हैं, अभी ठाकुर कृष्णा राधा रानी सखियों के साथ में वो रास रचाने के लिए आए। इतने में ये जो पागल था वो तो हा किशोरी तो कहाँ चली गई, हा किशोरी तो कितने अच्छी है, हा किशोरी अगर दो व्यक्ति का एक नाम हो ना, अगर मैं एक व्यक्ति को बुलाऊंगा तो दूसरा व्यक्ति आवाज लगाए मेरे को क्या बोल रहे हो। अभी वृंदावन में तो राधा जी को किशोरी किशोरी कहते हैं, अभी राधा रानी ललिता से बोलिए ललित, देखो कोई मेरा एक भक्त आया है, देखो रात को सोया नहीं और मेरे नाम को लेकर कैसे पागल होकर के पुकार रहा है, ललिता बोली तेरे को नहीं पुकार रहा है, उसकी पत्नी का नाम किशोरी बहुत अच्छी थी लेकिन वो कम उम्र में शरीर त्याग दे दी और अपना पत्नी की चिंता करते करते वो पागल हो गया, वो अपना पत्नी को बुला रही है तेरे को नहीं बुला रही है, लेकिन वो तो बुला दे जा रहा है हाँ किशोरी हाँ किशोरी हाँ किशोरी। अभी राधा जी के कानों में बारम्बार वो आवाज टकरा रही है क्योंकि दोनों का नाम बराबर है। इतने में राधा जी बोले देख ललिता मेरे को पता है इसकी पत्नी का नाम किशोरी लेकिन किशोरी नाम है किसकी, मेरी है लेकिन उसको दी गई किशोरी नाम, देखो मेरे धाम में आया वृंदावन फिर रात को सोया नहीं और मेरे नाम को लेकर पुकार रहा है, क्या उसको लेकर के आ गया। जब उसको लेकर के ललिता आई ना वो तो एक पागल था पत्नी की पागल में, जब राधा रानी उसका सर पर हाथ रखना वहाँ उसको दूसरा पागल हो गया है, कहते वो दूसरे पागल राधा जी के प्रेम में उसने पागल हो गई, पर राधा रानी अपना सखी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए अभी भी कोई अगर वृंदावन धाम में भगवान की अगर ऐसे भक्ति करे तो अभी भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसलिए वृंदावन में एक स्थान है झाड़ू मंडल, आप कभी जाना तो जरूर दर्शन करना झाड़ू मंडल। वो एक संत जब गुरु जी को पास में आए, गुरु जी बोले देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना विवाह नहीं मिलेगा, ये जो निधुवन निकुंज बने रोज बांके बिहारी यहाँ निदान करके जाओ, रोज तुम झाड़ू लगाया करो। वो राधा जी का नाम को ले ले करके रो रो करके झाड़ू लगाया करते थे, रोज झाड़ू लगाते थे। अभी राधा रानी उनको दर्शन देने के लिए उन्होंने जान बूझ करके अपना चरण की नुकुर छोड़ देते थे, उन्होंने झाड़ू लगाते लगाते घोर जंगल में सोने की नुकुर उन्होंने देखा, गुरु जी को ला करके दिखाया, गुरु जी तो पहचान गए, बोले ये तो राधा रानी के चरण की नुकुर, बोले बेटा तेरे को दर्शन देने के लिए उन्होंने बहाना बनाए, अगर कोई आए ना देना नहीं बोलना, जिनकी चरण की पायल हो वही आए। तो राधा रानी स्वयं वहां पर आती तो संत उनकी चरण में नुकुर पहनाते और वो जो तिलक लगाए ना उनको तिलक को बीच में राधा रानी उसी नुकुर से उन्होंने तिलक लगा दिया। इसलिए आप वृंदावन में जाओगे एक मंदिर है राधा श्याम सुंदर, आप जाओगे देखे वो जो ठाकुर जी तिलक लगाए और राधा रानी जो नुपुर से उन पर तिलक लगाए ना, ठाकुर भी नुपुर का तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी तिलक को बीच में ऐसे काला चिन्ह ठाकुर जी लगाए, अब जरूर राधा श्याम सुंदर को दर्शन करना। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि कहते हैं देखो अभी भी भगवान कृष्ण वृंदावन में है, कहीं ठाकुर नहीं, अभी भी पूर्ण रूप में है, लेकिन ऐसे ऐसे जो संत भजन करते हैं अभी भी संतों को ठाकुर जी दर्शन देते हैं। कोई बोलते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले भैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले गोपियां जैसे तो नचाते, भगवान सब कुछ करते ही, अगर आप ठीक ठीक से ठाकुर को सेवा पूजा करें ना ठाकुर जी अभी भी पूर्ण रूप में दर्शन देते।
शांति में ऋषि कह रहे हैं, कहते अभी मेरे भगवान यही से दर्शन तुझे उपाय। बोले बताओ। बोले भगवान की जो लीला स्थली वो धीरे धीरे अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। ठाकुर जी चले गए, एक काम तुम करो, तुम ठाकुर की लीला स्थलियों को प्रास करो और ठाकुर जी को प्रकट करो, फिर ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा तुम्हें। फिर उन्होंने ठाकुर जी की लीला स्थलियों को प्रकट किया और जितने ठाकुर जी को उन्होंने बताया, जितने पूर्णा पूर्णा मंदिर पे हो गए, जैसे राधा वल्लभ गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जितने ठाकुर देखो ना, ये सबके सबसे बजरनाथ बनाया। जितने ब्रज मंडल 84 क्रोश में जाओगे, जितने भगवान के लीला स्थलियाँ हैं, ये बजरनाथ ने दो बार प्रकट किया। अगर ये नहीं स्थापन करते ना, हमको पता ही नहीं चलता कृष्ण कहाँ गया जाए, कृष्ण कहाँ पर रास रचा है, कृष्ण कहाँ पर राधा जी की सर को पर चक्र धारण किया, हमें पता ही नहीं चलता। उन्होंने एक विशेष ठाकुर को स्थापन किया जिनका नाम है साथी गोपाल। पूरी गए कौन कौन पूरी गए, हाथ उठाओ तो, कौन कौन पूरी गए, कितना ही लोग पूरी गए और कौन पूरी जाना चाहता है। अब तो हम सब ले जाएंगे जगन्नाथ पुरी। अब देखना जब आप जगन्नाथ पुरी जाओगे, ठीक पुरी से एक स्टेशन पहले, उस स्टेशन का नाम है साथी गोपाल। उसका नाम क्या है, साथी गोपाल। क्यों उसकी साथी गोपाल नाम पड़ा वो कथा सुना। उन्होंने जो ठाकुर जी का स्थापन किया है, हैं? कथा सुनो, अपना बात मत करो, माता जी अभी बात मत करो, कथा सुनो। अरे कृष्ण देखो उनकी कथा सुनो, उन्होंने जो ठाकुर जी स्थापन किया। बल एक समय दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर, एक वृद्ध और एक जवान। जो वृद्ध ब्राह्मण वो उच्च कुल के ब्राह्मण थे और छोटे ब्राह्मण वो नीचे कुल के ब्राह्मण थे। अभी दोनों तीर्थ करते करते सारे तीर्थ भ्रमण करते करते वृंदावन में आए और जो गोपाल जी थे ठाकुर जी मंदिर में रुके, जो वृद्ध ब्राह्मण था वो बड़ी खुश हो गया। बोले बेटा अगर तू नहीं होता ना, मैं ये तीर्थ जाता मेरे लिए संभव नहीं था, तो मेरे को अपना बेटे रूप में बेटे से भी तुमने जाता था कि मेरे को सारे तीर्थ में घुमाया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, तेरे को एक चीज देना चाहता। बोले बताओ। बोले मेरी एक बड़ी प्यारी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि जब वापस जाऊँगा मैं अपना लड़की को तेरे को मैं साथ दिलाऊंगा। छोटा ब्राह्मण कहा देखो मैंने आपकी बेटी को शादी करने के लिए आपको सेवा नहीं की, आप तो ब्राह्मण देवता पिता के बराबर रहे, इसलिए पिताजी मान करके मैंने आपकी सेवा की, इसलिए बेटी को शादी करने के लिए नहीं। बोले तू तो अपना पिता मान कर किया लेकिन मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तेरी ऋणी बन गया, ऋणी से उऋणी होना चाहता हूँ, इसलिए अपना बेटी को मैं शादी दूंगा। बोले देखो पिताजी आप दोनों हम ब्राह्मण हैं, बोले पर भी लेकिन आप उच्च जाति के ब्राह्मण, मैं नीची जाति का ब्राह्मण, पहले तो बहुत विचार था अभी भी विचार है। बोले आपका परिवार वाले मानेंगे नहीं। बोले परिवार क्या, बेटी मेरी मैं शादी देना चाहता हूँ। बोले अगर घर में जाकर मुकर गए तो साखी कौन। बोले ठाकुर जी, हाँ ठाकुर जी को, ठाकुर जी को मैं साखी करके कहता हूँ, घर में जाऊँगा तो बेटी को मैं शादी दूंगा। घर में वापस आए, अभी वृद्धा ब्राह्मण परिवार को बुलाया। बोले देखो ऐसे ऐसे बात है, परिवार वाले बिगड़ गए। बोले आपको पता नहीं हम उच्च कुल के ब्राह्मण, नीचे कुल के ब्राह्मण हैं, अगर हमारा बहन को अगर शादी दोगे फिर हम समाज में हम नाक कैसे दिखाएंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे। अगर हमारी बहन को शादी दिया ना, हम जहर खाकर बन जाएंगे परिवार। बोले जो मैंने ठाकुर को साथी करके आया, बोले ठाकुर पत्थर है, बड़ी बात करता हूँ, ठाकुर तो पत्थर है। बोले नहीं मैंने बोल करके आया। बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता। बोले अभी मैं क्या करूँ। बोले अगर वो ब्राह्मण आए ना, आप इतनी सी बात बता देना, भैया मैंने क्या कहा था मेरी याद नहीं, फिर हम देख लेंगे। वो छोटा ब्राह्मण आकर जब पूछा, उसने कैसे बता दी, इनके जो बेटे लोग थे ना डंडे ले गया। बोले दूसरा हमारे पिताजी को साथ में तीर्थ में गया, पिताजी को पास में बहुत पैसा था, तुमने धदुरा खिला करके सारे पैसा ले लिया, फिर हमारे बहन से शादी करोगे, दुष्ट
टंडर लेकर के मारने दौड़े। वो तो भाग गया। उन्हें ग्राम पंचायत को बुलाया। जब ग्राम पंचायत को बुलाया, बोले कोई साथी है तुम्हारी? बोले ठाकुर जी साथी। बस इनको सुजो को मिल गया कि बच्चों को बोले जाना वृंदावन से ठाकुर को बुला करके लिया, फिर शादी करना। लेकिन उसको पूर्ण विश्वास, पहले लोग होते थे ना ठाकुर का प्रति बहुत विश्वास होते थे, लेकिन अभी का तो जितने लिखाई पढ़ाई कर रहे ना उतना कुदर और उतना भक्ति से विहीन और उतना ही उत्पटन कर रहे हैं। जितने ज्यादा लिखाई पढ़ाई कर रहे बच्चे उनको गूगल का ही विश्वास है, लेकिन ऋषि मुनियों की वाक्य को उनका कोई विश्वास नहीं। लेकिन पहले उनको पूर्ण विश्वास रहता ठाकुर जरूर आएगी। गया वृंदावन, कहाँ से जगन्नाथपुरी से चलते चलते वृंदावन गया ठाकुर जी के मंदिर में। बोले ठाकुर जी ऐसे ऐसे बात है, आपको साखी करके उन्होंने बोले, वो अभी कह रहे हैं नहीं देगा, इसलिए आपको जाकर के साखी देना पड़ेगा। देखो ठाकुर क्या कहते हैं। बोले बेटा तुमने कभी सुना ठाकुर जी चलते हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने कभी सुना ठाकुर जी चलते हैं? उसने कहा अगर ठाकुर जी चलते नहीं तो बोलते कैसे? बोले आप जब बोल रहे हो आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो वो जो वृद्धा ब्राह्मण है वो तो चाहता है लेकिन बच्चों का प्रेशर से वो मना कर रहा है, नहीं तो वो भी झूठा मैं भी झूठा बनूंगा, इसलिए जाना पड़ेगा ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं चलूंगा। बोले देखो कितने दिन लग जाएगा चलते चलते, अभी भूख लगेगा ना, मेरे को एक शेर, पहले शेर होता था किलो में शेर होता था, बोले एक शेर चावल और दाल की तुम खीर बनाओ और मेरे को खिलाओ, चल कर जाना पड़ेगा ना। बनाया ठाकुर जी सब कुछ खा लिए। बोले देख मैं चलते चलते जाऊँगा लेकिन एक शर्त है। बोले बताओ क्या? बोले तू कभी पीछे मोड़ करके देखना नहीं, कहीं अगर पीछे मोड़ करके देखोगे मैं वहीं पर घूम जाऊँगा। बोले मेरे को पता कैसे चलेगा आप आ रहे हो? बोले मेरे पैर में नुपुर बंधा हुआ और नुपुर का छम 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 आवाज आएगी। अभी ठाकुर जी चलते चलते वृंदावन से वो आ गए कटक। आप लोग नाम सुने कटक, ठीक पूरी से एक और एक स्टेशन पहले कटक, वहाँ पर नदी महानदी और वहाँ पर रेती है। जब ठाकुर जी आ रहे थे उनका चरण रेती में धंसना शुरू हो गया। रेती में धंसना तो चरण में जो नुपुर थी ना और जो नुपुर की आवाज अभी धीरे धीरे कम हो गया, अभी नुपुर की आवाज ही नहीं आ रही। ब्राह्मण ने कहा भैया यहाँ तक तो नुपुर की आवाज आ रही थी, अभी ये आवाज बंद कैसे हो गई? हो ना हो वहां जा करके देखे ठाकुर हो ही नहीं, फिर तो मेरी बड़ी बड़ी बदनामी होगी। बोले कहीं कहीं मैं पास नहीं आ गया हूँ, एक बार मोड़ करके मैं देख लेता हूँ, अगर यहीं रुक जाए ना अगर तुमको बुला करके ले आऊंगा। उन्होंने मोड़ करके देखते ही ठाकुर जी बंसुरी बजाते बजाते ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले और मैं नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं जाऊंगा, जाओ सबको बुला करके ले आओ। उसने गांव में जाकर हल्ला मचा दी। वृंदावन से श्री गोपाल जी चलते चलते यहाँ पर आ रहे, सारा दुनिया टूटे। बोले ठाकुर जी वृंदावन से चलते चलते आए, सारा दुनिया ठाकुर को दर्शन करने के लिए आए और राजा रानी भी आए और ठाकुर जी सबके सामने उन्होंने साथी दिया। बोले ये बात सही है, ये वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे को साथी करके उन्होंने ये बात बताई थी। और जब घर में आए परिवारों का प्रेशर से अभी वो मना कर रहा है लेकिन बात सही है इसने बताया था। वो वृद्ध ब्राह्मण इतने खुश हो गए, बोले ठाकुर जी मैंने तो आपको कसम खा करके बताया था, मैं तो बड़ी दुखी हो रहा था, आप मेरे लाज को बचा दिए, प्रसन्न हो गए। इसलिए वो स्टेशन का नाम है साखी गोपाल। अगर कभी जगन्नाथपुरी आप जाओगे ना जरूर वो ठाकुर को दर्शन करके जरूर आना। अभी जो रानी भी आई थी जगन्नाथपुरी राजा के रानी, उसने जब ठाकुर को दर्शन की उसकी मन मन में एक इच्छा हुई, बोले तो अगर ठाकुर जी की नाक में छेद होता ना, मेरे पास में एक हीरे की बेसर है और मैं ठाकुर जी की नाक में मैं पहना देती। केवल उसने सोच आ रही
रानी जब आ गई सो गई, रात को ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले देखो रानी आपकी मन में इच्छा मेरे नाच में बेसर बहना निकले। बोले हाँ, बोले मैं जब छोटा बच्चा था मेरी माँ ने जसोदा मैया मेरे नाक में एक छेद करके रखी, लेकिन वो धूल से वो छेद बंद हो गया, तुम आ करके ठीक से देखना वो नाक में मेरी छेद है और मेरे को पहना करके लगा। इतने में रानी को तकलीफ खुल गई, बोले महाराज मेरे मन में ठाकुर जी के नाक में बेसर पहनना की इच्छा हुई थी और ठाकुर जी मेरे को इसे स्वप्न दिए, बोले देखना ठीक से वो मिट्टी को हटाना अभी भी वो छेद है। राजा तो बड़े आश्चर्य हुए, राजा रानी वो गिरे के बेसर लेकर के आए, सचमुच से उन्होंने खोदा ना वो छेद निकला। अभी भी आप जाओगे ना देखना वो अभी भी ठाकुर जी नाकों में गिरे की बेसर ठाकुर जी पहनेंगे, अभी भी वो बेसर देखोगे ठाकुर के नाक में छेद है। अभी कृष्ण पहले अकेले थे, अभी राधा रानी ठीक नहीं, अभी राधा जी की बगैर कृष्ण का मन कहाँ लगे, अकेला अकेले खड़े हुए उनका मन ही नहीं लग रहा है, बोले मेरी राधा है ही नहीं, अभी इनकी मन में इच्छा मेरी राधा आ जाए। अभी राधा जी की अंसर में वो जो ब्राह्मण का बेटी थी स्वयं राधा रानी की बेटी बन कर गया। वो बेटी क्या करती है, रोज रोज ठाकुर जी को सुंदर सुंदर माला बना करके ठाकुर जी के लिए देती है, और जब माला देती है ना अपना गले में पहले पहनती है और शीशा के सामने खड़ी हो जाती है और देखती है ये माला सही बनी कि नहीं, अगर माला सही बनी ना वो अपना गला से प्रसाद की माला उतार करके ठाकुर को देती है। वो ठाकुर रोज ये माला पहनते हैं। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी को तो मंदिर में सहन कराते हैं लेकिन ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते, बोले कहाँ सोते हैं, बोले ब्राह्मण की जो बेटी को पास में रात को सोते हैं। एक दिन क्या हुआ, अभी ठाकुर जी ज़्यादा ही सो गए, अभी पुजारी सवेरे सवेरे आया ठाकुर जी की मंदिर पट खोलने के लिए। आप देखना नियम है जब ठाकुर जी की पट खोलो ना ऐसे नहीं छट जाकर दरवाजा खोल दिया, नहीं क्या करो पहले ताली बजाओ, पहले एक बार ताली बजाओ, नहीं तो कोई बेल होता ना किसी भी मंदिर में जाओ देखना पहले ठाकुर जी को बेल बजाते हैं पहले, उसको बाद में दरवाजा खोलने का नियम। क्यों, बोले पता नहीं ठाकुर जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। अभी पुजारी गया जा करके उसने जो वहाँ बेल लगा हुआ बेल बजाया, लेकिन ठाकुर तो वहाँ थे ही नहीं, ठाकुर कहाँ पर थे, उनकी बेटी को पास में ठाकुर जी सो रहे थे। जब उन्होंने बेल बजाया ना अभी ठाकुर की गीत मिल गई, बोले भैया मैं तो अभी यहाँ सो रहा हूँ, अभी पुजारी तो दरवाजा खोलेगा मैं तो वहाँ है ही नहीं। इतने में ठाकुर जी जल्दी से जल्दी वहाँ से भागते हुए आए, जब भागते हुए आए भूल से उनकी घर में सोने की जो बंसुरी थी वो बंसुरी को छोड़ कर गया। ठाकुर जी आकर चुपचाप खड़े हो गए, पुजारी दरवाजा खोला देखा ठाकुर को हाथ में सोने की बंसुरी नहीं, पुजारी तो हल्ला मचा दी ठाकुर की जो बंसुरी कहीं चोरी हो गई, ठाकुर जी की बंसुरी चोरी हो गई है। इतने में राजा सियाई लगा दिया देखो ठाकुर की सोने की बंसुरी कहाँ गई, और ढूंढते ढूंढते मिली ये उनकी बेटी के घर में। बोले देखो ये पुजारी कितने दुष्ट है, ठाकुर का बंसुरी तो स्वयं चोरी कर लिए और उसने हल्ला क्या मचा दी, मेरी बंसुरी ठाकुर की बंसुरी चोरी हो गई। राजा बोले इसको जेल में बंद करो, ये दुष्ट पुजारी ठाकुर की सोने की बंसुरी चोरी की। जब उनकी उनको बंद कर दिया जेल में, अभी ठाकुर जी ने देखा तो गड़बड़ी हो गई, मेरी ससुर साहब में जेल में बंद हो गया। तब वो राजा को फिर स्वप्न देते हैं ठाकुर जी, बोले महाराज आप तो मेरे को यहाँ अकेले खड़े कर दिए हो और राधा जी के बगैर मेरे मन ही नहीं लगना है, इसलिए मेरी जो राधा है ना ये पुजारी की बेटी बन करके आई और मेरे को तो पुजारी सहन देता है मंदिर में, लेकिन मैं रोज जाकर उनको बेटी को पास में सोता हूँ, आज जब दरवाजा खोलने से पहले मैं सो रहा था और मैं जल्दी जल्दी आया तो सोने की बंसुरी वहीं छोड़ करके आ गया, इसलिए वो मेरे ससुर साहब है और उनका जो बेटी है ना वो मेरी राधा जी की अंश से जन्म लिए। बोले जाओ
मेरे जितने अलंकार मेरे सारे अलंकार को ले जाओ और उनकी बेटी को 16 श्रृंगार कराओ और उसको पालकी में बैठाओ और गाजा बाजा को साथ में ले आओ और मेरे से शादी कराओ। वो स्वप्न सुन करके राजा लग रहे मेरे ठाकुर जी कैसे लीला है। फिर उन्होंने वो लड़की को दुल्हन ही बना कर दी और पालकी में बैठा कर उनको लेकर के आए और जो मंदिर में प्रवेश की दरवाजा बंद हो गया जो थोड़ी देर बाद में देखते ही वो बेटी है नहीं मंदिर में। इसलिए अगर आप लोग कभी जाओगे देखना उसको बाद में राजा ने बड़ी सुंदर राधा रानी माने बनाई बड़ी प्यारी राधा रानी बनाई। आप लोग अगर जगन्नाथपुरी जाओगे जैसे अभी पुरुषोत्तम महीना आ रहा है जगन्नाथ जी का एक नाम श्री पुरुषोत्तम ठाकुर जी का है। इसलिए अगर उसी महीना में जगन्नाथ जी दर्शन करने का बड़ा बहुत करे अगर इसी महीना में नहीं जा पाए तो कोशिश करना जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा होगा रथ यात्रा में जाने के लिए कोशिश करना। जगन्नाथ की रथ यात्रा देखे हो कौन कौन पूरी गए जगन्नाथ की रथ यात्रा देखे कोई नहीं गए एक आदत मिलेगी। इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन करने का बड़ा महत्व है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जो यात्रा है श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा। जब वो ठाकुर जी को रथ के ऊपर में एक बार जो केवल दर्शन कर लेना तब उसको पुनर्जन्म नहीं होता है क्योंकि ठाकुर जी द्वारका से ठाकुर जी वृंदावन में जाते हैं। चलोगे रथ यात्रा में कौन कौन चलेगा हाथ में इसलिए अभी से टिकट बना दो। वहां से देखो जब चलोगे ना रास्ता में वो सारे ठाकुर दर्शन मिलेंगे जगन्नाथपुरी में अद्भुत अद्भुत चीज मिलेगा। रास्ता को बीच में एक ठाकुर जिसका नाम खींचा रुकना जिसे ठाकुर जी का रामचंद्र ने अपने हाथों से बनाया। जब माता सीता ने पूछी प्रभु आप द्वापर युग में आपका रूप कैसे होगा भगवान राम ने एक पत्थर को ऊपर में धनुष को द्वारा भगवान राम ने एक सुंदर कृष्ण मूर्ति को अंकन की इसलिए उनका नाम पड़ा गोपीनाथ। और किसी भक्त के मन में इच्छा हुई ठाकुर जी को खीर खाने के लिए ठाकुर जी उन्होंने खीर चुराया इसलिए वो ठाकुर जी का नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। सबके सब ठाकुर जी को चोर चोर कहते हैं खीर चोरा लेकिन ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चोर बोल दोगे ना अगर किसी व्यक्ति को चोर को भी आप चोर बोल दोगे ना वो गुस्सा करेगा लेकिन ठाकुर जी को सारा दुनिया चोर चोर कहते हैं लेकिन ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं। बोले क्यों बोले हाँ चोरी करने में की है लेकिन किसके लिए चोरी किया मैंने भक्त के लिए चोरी किया है। अद्भुत अद्भुत वहाँ ठाकुर जी को देखोगे सारा दुनिया में कहीं भी कृष्ण मूर्ति देखोगे खड़े हुए भगवान को खड़े हुए देखोगे लेकिन पूरी में भी एक ठाकुर देखोगे जो बदमाश करके बैठे थे। बोले वो ठाकुर जी क्यों बैठ गए बोले एक भक्त था जब वृद्ध हो गए जब ठाकुर जी को सेवा नहीं कर पाए बोले ठाकुर जी मेरे से और सेवा नहीं हो पा रही आप और किसी दूसरे सेवक को ढूंढ लो। बोले चिंता मत कर मैं बैठ जाता हूँ और वो जा करके सवेरे देखा ठाकुर जी पद्मासन करके बैठे थे। ठाकुर जी बहुत लोग बैठा एकदम जैसे पद्मासन करके करते हैं ना ऐसे ही ठाकुर जी पद्मासन करके बैठे थे। इतने वहाँ पर इन्होंने अच्छे अच्छे चीज दर्शन है। चलोगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में चलना तो अभी टिकट बना लो टिकट कम से कम 3-4 दिन पहले वहाँ पर जाओ और वहाँ पर आस पास का सब दर्शन कर लो तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन करो और जिस मंदिर में ठाकुर जी जाते हैं ना वो गुंडीचा मंदिर है वो मंदिर साफ करने का बड़ा पुण्य है। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर के मंदिर साफ करते थे बड़ी महिमा उसकी। फिर वो मंदिर में एक बार जो झाड़ू लगा देना उसकी हृदय में झाड़ू लग जाती थी उसके हृदय में झाड़ू लग जाती थी इतने महिमा वहाँ जाने का। अगर आप लोग जाओगे तो बोल देना पहले टिकट बना देना अरे हमारे वहाँ पर मंदिर है वहीं पर जाकर रुकना और बढ़िया से दर्शन करना और वहाँ से वापस आ देना ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। एक दिन कृष्ण का जो 16
5108 रानियां थी। कृष्ण जब ये संसार छोड़कर के चले गए वो रानियां बड़ी होती, लेकिन उन्होंने यमुना जी को देखा, कालिंदी को देखा, इसके अंदर में कोई दुख नहीं। बोले कालिंदी तू ये बता, कृष्ण सब छोड़ करके चले गए, हम उनकी पत्नियां हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, लेकिन तेरे मन में कोई दुख ही नहीं। बोले क्यों? बोले राधा जी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण कहीं नहीं है, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन है। बोले ये कथा हमें कौन बताएगा? बोले एक व्यक्ति ये रहस्य जानते हैं। बोले वो व्यक्ति कौन है? बोले श्री उद्धव जी। बोले ये उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले श्री गिरिराज में चंद्र के मिलेंगे। आप लोग गिरिराज परिक्रमा लगाए? कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए? आप देखना ठीक राधा कुंड से कहेंगे जो कुंड है उसका नाम उद्धव कुंड है। बोले अभी भी उद्धव जी वहीं पर बैठ करके भजन कर रहे हैं घास पर करके, ये रहस्य को जानते हैं। ये सब के साथ कृष्ण का महिषियों ने श्री बचरना परिथी सबके सब वहाँ पर गए और वहीं पर उन लोगों ने कीर्तन किया है। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गुरु वृंदावन की हरी जय जय श्री राम। Yeah.
कृष्णा तुम्हें ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं। अभी बताओ हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा, मैंने भी यही प्रश्न कृष्ण को किया था। जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, मैंने भी यही प्रश्न की। बोले कृष्ण, अभी बताओ हम तुम्हारे विरह को सहन कैसे करेंगे। कृष्ण स्वयं ये बात को बोल कर गए, बोले उद्धव, मैं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता हूँ। कहते ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा, बोले 1000 चतुर्युग। बोले 1000 चतुर्युग कितना है, देखो ध्यान दे लीजिए। कृष्ण कब कब आते हैं और राम कब आते हैं और चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं, हर कली में महाप्रभु नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर तृतीया में प्रभु राम नहीं आते, तब आते हैं। बोले ब्रह्मा का एक दिन। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा, अभी हिसाब लगाओ। बोले हिसाब करके बताना। बोले ये कलयुग का जो परमायु है वो 4,32,000 है, ये कलयुग का परमायु। बोले द्वापर युग का परमायु ये कलयुग को 2 गुना कर दो, कितना होगा बताओ। बोलो कितना होगा, कितना होगा, 8,000, 8,64,000 होगा। अभी ये कलयुग को फिर 3 गुना कर दो, ये कलयुग को 4,32,000 को 3 गुना कर दो, जितना होगा। फिर जो सत्य युग बताया, ये कलयुग को फिर 4 गुना कर दो, वो जितना होगा उसको मिलाओ, इसको कहते हैं कि महायुग। ऐसे 71 महायुग ने एक मन्वंतर होता है, और जब ये 14 मन बदल जाते हैं, फिर ब्रह्मा का एक दिन मतलब 4,000 चतुर्युग को करोड़ों करोड़ों साल बीत जाने पर भगवान तब भी द्वापर में कृष्ण आए। देखो हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर तृतीया में जो प्रभु राम आए थे हर तृतीया में नहीं आते, हर कली में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, वो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। उद्धव जी ने कहा, देखो अभी कृष्ण आएंगे, कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्ण और एक उपाय मेरे को बोल करे करेंगे।
बोले क्या बोला है, बोले अगर ये कलयुग में कोई ये भागवत कथा श्रवण करेगा मैं स्वयं ये भागवत ग्रंथ रूप में ये जगत में रहूंगा। इसलिए भागवत में बताए तेन अयम पांच मई मूर्ति, भगवान की जो मूर्ति है वो आठ तरह का है, आठ चीजों में भगवान की मूर्ति बनती है। जैसे देखना जैसे जगन्नाथपुरी में जो मूर्ति है वो लकड़ी से, आपका घर में जो गोपाल देखोगे अष्टधातु, कहीं पर देखोगे रेतियों में बनी हुई, कहीं पर देखोगे पत्थर में बना हुआ, कहीं पर देखोगे चित्र में बनी हुई, जैसे ठाकुर जी का चित्र में बनी हुई है ठाकुर जी के। और एक होता है मनमयी, जो अपना मन में ठाकुर जी का स्मरण करते हो, बल्कि ये जो भागवत किया है बल्कि ये सप्त ब्रह्मरूप है, ये स्वयं जैसे कृष्ण जैसे राम, ये जो सप्त हम बोलते हैं बल्कि कलयुग में भगवान ये सप्त ब्रह्मरूप में विद्यमान है। उद्धव जी ने बताए अगर कोई प्रभु कृष्ण से मिलना चाहते हैं कलयुग में केवल एक उपाय है, ये भागवत कथा जो श्रवण करेगा तब उनको साक्षात कृष्ण दर्शन मिलेगा। तब महेश्वर ने बताए भैया कहते तुम हमें भागवत कथा सुनाओ, बोले ठीक है मैं सुनाऊंगा, हम तो 7 दिन तक सुनेंगे। उद्धव जी हम लोग गोवर्धन में गए ना, जहाँ पर उद्धव कुंड गए उस तरफ में कुसुम सरोवर और इस तरफ में उद्धव कुंड, सबसे पहले उद्धव जी ये महेश्वरियों को ही कथा वहीं पर सुनाए और 1 महीना तक कथा सुनाई। जब कथा की विश्राम हो गई ये भागवत ग्रंथ से स्वयं कृष्ण राधा रानी सखा सखी ग्वाल बाल ये भागवत ग्रंथ से साक्षात प्रकट हुए ठाकुर। जब प्रकट हुए तब महेश्वर ने कृष्ण से मिले और इनके हृदय में कृष्ण का जो विरह था वो विरह हो गई, उनकी दूर हो गई। आप देखना जैसे आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, आप सही सही 7 दिन तक कथा सुनोगे, जब ये कथा समाप्त हो जाएगी आपका हृदय में भी विरह आएगा, बोले बताओ अब हम क्या करें। अब जब तीन तीन चार चार घंटा कथा में बैठ करके हमारा समय बीत जाते हैं, और देखना भगवान की कथा में कथा मतलब क्या है, बोले का मतलब होता है रस, था मतलब होता है हमें जो प्रभु की प्रेम रस में स्थापन करते। अब स्वयं देखना 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, आप जिस रूप में दिख रहे हो आपका ये रूप नहीं रहेगा, आपका हृदय पूरा बदलता हुआ दिखेगा, प्रभु की प्रेम में शराब और बदल हुए देखोगे, प्रभु का प्रति तुम्हारे प्रेम प्रकट हो जाएगी। क्यों? आप जिसकी कथा सुनोगे ना उसकी प्रति धीरे 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 तुम्हारी प्रेम, उसकी प्रति ही तुम्हारी प्रेम अपने आप बन जाएगी है, उसकी प्रेम बन जाएगी। 7 दिन में जब उन्होंने कथा सुनाई कथा में इतने आनंद कर कथा में इतने रस उनकी आई साक्षात भगवत दर्शन हो गए, हृदय का विरह दूर हो गया। तब उद्धव जी कहते हैं मेरे गुरु जी मेरे को एक कथा सुनाई थी। बोले क्या कथा सुनाई थी? बोले भगवान जब ये दुनिया को सृष्टि की सर्वप्रथम उन्होंने 3 व्यक्तियों को सृष्टि किया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना तुम करो, शंकर जी का आदेश दिया इसकी संहार तुम करना, और विष्णु को आदेश दिया जगत का तुम पालन करना। अब इसमें ब्रह्मा जी आए बोले प्रभु ये सृष्टि का काम रजगुण का काम, ये रजगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अगर ये 7 दिन तक तुम कथा सुनोगे ना ये रजगुण तुमको व्याप्त नहीं करेगा। अभी भागवत कथा से ब्रह्मा सृष्टि काम कर रहे हैं, श्री नारायण आए बोले प्रभु ये बताओ ये दुनिया को तो मैं पालन कर लूंगा लेकिन लक्ष्मी को कैसे पालन करूँ? बोले आपकी कथा सुना और कथा सुना। जब नारायण कथा सुनाते हैं वो माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है, तो ये कथा की कितने महत्व है, माँ लक्ष्मी स्वयं बैठ करके नारायण से कथा सुनती है। बोले कितने दिन तक नारायण भागवत कथा करते? बोले 1 महीना मैं ये कथा को समाप्त करते हैं। जब नारायण की कथा हो जाए फिर स्वयं नारायण बैठ कर सुनते हैं, माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है। बोले नारायण की कथा में जितने रस है उससे ज्यादा आनंद आता है माँ लक्ष्मी जब कथा सुनाती है, वो 2 महीना में ये कथा को पूरी करती है। शंकर जी आए बोले प्रभु ये संहार का काम तो तमोगुण का काम, ये तमोगुण से मेरी कैसे मुक्ति होगी?
कृष्ण बोले अब भी कथा सुना और कथा सुना। चल हम सुन रहे थे ना ये कथा, सबसे पहले बोल किसको कहाँ पर बताया, बोलो तो कौन बोलेगा, बोलो ये कथा सबसे पहले कौन किसको कहाँ पर सुनाया था, बोलो कौन बोलेगा और जोर से बोलो कहाँ सुनाए। हाँ शंकर जी सबसे पहले पार्वती को अमरनाथ में किसको सुनाया, माँ पार्वती को मैंने सुनाया, इसलिए ये कथा का नाम है अमर कथा। ये शंकर जी स्वयं कहते पार्वती तब तक मैं भी ये शरीर नहीं छोड़ा जब तक ये अमर कथा नहीं सुना, इसलिए पार्वती कहते मेरे को भी सुना दो मैं भी अमर बन जाऊंगी। देखो ये कथा की कितना महत्व है, जो जगदम्बा जगत जननी कहते तब तक उन्होंने भी शरीर नहीं छोड़े जब तक उन्होंने भी कथा नहीं सुनी। अगर हम भी कथा सुनेंगे ना हम भी जगत में अमरत्व भी प्राप्त करेंगे। इसलिए जब शंकर जी कथा सुनाते हैं कहते एक साल तक की कथा को सुनाते हैं और बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए शंकर जी सुनाते हैं। अभी माँ पार्वती की नंबर आ गई, फिर माँ पार्वती कथा सुनाती और शंकर जी बैठ कर कथा सुना सीखते हैं। बोले पार्वती कितने दिन में कथा समाप्त करते, बोले 2 साल। मतलब शंकर जी कितने सुंदर व्याख्या करते हैं उससे ज्यादा सुंदर जो व्याख्या करती है माँ पार्वती, क्योंकि माँ पार्वती का एक नाम वैष्णवी, नाम सुना कि उनका नाम लेके वैष्णवी, वैष्णवी मतलब क्या है जो भगवान विष्णु की भक्ति करती है, इसलिए जैसे हम वैष्णव है वो वैष्णवी है, है? इसलिए माँ पार्वती 2 साल में ये कथा को समाप्त करती है। मतलब है ये भागवत कथा की प्रभाव से शंकर जी दुनिया को संहार करते हैं और विष्णु पालन करते हैं और उसे ब्रह्मा जी जगत को सृष्टि करते हैं, ये भागवत कथा से प्रभाव से। मतलब ये भागवत के द्वारा ना दुनिया में जो कुछ हो रही है ये समझो ये भागवत की प्रभाव से ही ये सारे कथा हो रही है। अजानते हो कथा का सबसे बड़े रसिया कौन है, कथा सबसे ज्यादा किसको बढ़िया लगता है आपको पता है, बता सकते हो ये कथा सबसे ज्यादा किसको बढ़िया लगता है, सबसे बड़ा श्रोता कौन है, बोलो कौन बोलेगा, बोलो कहिए बात तो लीजिए। ये कथा में इतने रस है, देखो आपकी सही घटना सुनाता हूँ। आप लोग जयपुर गए हो, कौन कौन जयपुर गए हो, हाथ उठा तो जयपुर, वहां पर भगवान गोविंद देव का दर्शन किए हो, वहां पर गोविंद देव का दर्शन किए, ठाकुर दर्शन नहीं किए ना, वहां पर गोविंद देव का सबसे बड़ा मंदिर गोविंद देव, वहां पर एक संत हर साल आकर के ठाकुर जी कथा सुनाए, एक साल सुनाए, जब दूसरी साल में आए तब जयपुर के सारे भक्त लोग आए, वो संत ने प्रश्न की ये बताओ मैंने पिछले साल मैंने कथा मैंने कहाँ विस्तार की, उसको बाद की कथा फिर मैं सुनाऊंगा, बताओ कौन बोलेगा पिछले साल मैंने कथा कहाँ पर विस्तार किया, अभी एक साल पहले सुना है सब जैसे भूल गए थे, कोई तो बोल ही नहीं पाए, जब बोल नहीं पाए वो संत ने कहा लगता है यहाँ पर कथा कोई ठीक से नहीं सुनी, तुम लोग बता दुनिया की बात देखना 20 साल 50 साल की बात लड़ाई हो ना, तुमने मेरे को ऐसे कहा था तुमने ये कहा था सारा दुनिया की बात उन्होंने याद रख लेते, उन्होंने कहा लगता है तुम लोग कोई ठीक से कथा नहीं सुने हो, क्योंकि पिछले साल सुना या किसी साल ही तुम नहीं बोल पा, यहाँ कोई कथा नहीं सुन रहे, जब निकले बोले ना ठाकुर जी के मंदिर के अंदर से आवाज आ रही, बोले महात्मा जी आप कैसे बता रहे हो कथा कोई सुनने वाला नहीं, कथा मैं सुनता हूँ ठाकुर जी, कथा मैं सुनता हूँ ना, आप पिछले साल यहीं पर आपने कथा को विश्राम दी थी और इसको बाद से फिर कथा सुनो, सारा दुनिया सुन करके हैरान हो गए, बोले भगवान की कथा में इतने आनंद है इतने रस है, स्वयं भगवान भी अपना कथा सुन करके स्वयं उसमें सराबर हो जाते हैं, दुनिया की कथा में बैठा ही है, दुनिया की कथा में सब बैठा है, इसको पास में बैठ गया बताओ कैसे हो, बोले ठीक ठाक है, लेकिन पास में बैठ गए कथा सुन उसकी बात सुना कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई घर से दुखी कोई दोस्त से दुखी कोई परिवार से दुखी कोई मन से दुखी कोई पड़ोस से दुखी कोई काम से दुखी कोई तन से दुखी
कोई मन से दुखी, देखना कि एक व्यक्ति का इतना दुख है ना, सुन कर सर दर्द होने लगता है। लेकिन इससे राधा रानी तेरी जो कथा है ना, कहते श्रवण मन गगन, भगवान की जो कथा राधा रानी कहती है, इतने मंगल इतने आनंददायी है, इससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं। जैसे देखो आप यहाँ पर समझो दो तीन घंटा कथा सुनाओ, दो तीन घंटा हम सबके सब दुखी संसार में, आप देखना एक चीज का अनुभव करना, जब तक ये दो तीन घंटा कथा सुन लेना आपको संसार की कोई बात याद है आपको? हम दुखी दुखी है लेकिन कोई दुख याद है तुम्हारी? कोई भी तुम्हें दुख याद नहीं, केवल गेट से बाहर निकलो सारा दुनिया की दुख पहाड़ के जा करके सर पर पड़ जाएगा। घर में जाने पर ये होगा, घर में जाने पर ये होगा, घर में ये दिक्कत है, घर बेटा पर ये, बेटी बात नहीं सुनती, बेटा उल्टा पुलटा करता है, बोल को सारा तो झगड़ा। केवल ये गेट से बाहर निकलने ना सारे पहाड़ जैसे आ गए थे। लेकिन जब तक यहाँ बैठे हैं ना, क्योंकि जो भगवान की जो कथा जाते हो क्या है, हम कथा नहीं सुन रहे हैं, इसका किको मत बढ़ाओ, इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं। जो कथा सुन रहे हो वो ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, कथा नहीं है गोद में बैठे हो। यदि कथा की इतने प्रभाव है, अगर इसी समय किसी मृत्यु आ जाए ना, लेकिन आप जब तक ये कथा में बैठे हो कोई मर गई, अगर जंतु तो आ जाएगा ना वो गेट को बाहर खड़ी गई, क्यों बोलिए ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं। कथा सुनना मतलब बांके बिहार की गोद में बैठना, ये कथा से बाहर निकलो तो फिर जाकर मरोगे, नहीं तो मरोगे नहीं, वो जंतु तो मिल ले नहीं सकती यहाँ से, इतने कथा की प्रभाव है। इसलिए श्री स्कंद पुराण ने बताया ये दुनिया जो चल रही है केवल ठाकुर जी की कथा के प्रभाव से ही, ये सारा दुनिया कथा के प्रभाव से ब्रह्मा सृजन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं और विष्णु जगत को पालन करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जोश देखा गया आज भी व्रत है नहीं है ना, तो जयकार आवाज नहीं है। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृत की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले जन्मादस्य जतन्नया नितरतस्य स्वार्थे स्वभिन्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि दवय मोहिदन्ति चतुरयो तेजो वायु मृदम यथा विनिमयो चंद्र त्रिसर्ग मृषा ध्याना स्वेन सदा निरस्तत्वतम सत्यग परम धीमहि। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत को प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करते हैं। बोले किसको चरण में प्रणाम करते हैं, जो पहला श्लोक है कहते हैं ध्यान है। बोले किसको ध्यान करते हैं, और सत्य परम धीमहि, वो जो परम सत्य जो भाग्य बिहारी उनकी चरण में प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो भागवत ग्रंथ का जो इष्ट है वो स्वयं ठाकुर जी है। बोले भैया क्या केवल कृष्ण को प्रणाम करते ना, और किसको कहते? बोले नहीं केवल कृष्ण को नहीं, सिर्फ राधा जी को साथ में कृष्ण को प्रणाम करते हैं, इसलिए राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ देखना, कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, सबके सब वहाँ क्या बोलते हैं, जोर से बोलो और जोर से, वृंदावन में सबके सब श्री ईश्वर जी का नाम लेते हैं। क्यों वहाँ पर कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते, वहाँ पर राधे राधे क्यों बोलते हैं? ये कृष्ण खुद कह रहे हैं, ये वृंदावन में राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? कृष्ण कहते हैं बलरा सब गुरुवन तस्मात ददामी भक्ति उद्यमम धा सब्द गुरुवत पश्चात धा विश्रवण। कृष्ण कहते हैं अगर कोई रा अक्षर बोल देगा कृष्ण कहते, मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ भैया इसमें मैं धो गया, क्योंकि मेरे राधा जी का पहला अक्षर रा है। कहते मेरे कोई विश्व ब्रह्मांड में कुछ मिलता नहीं उसको देने के लिए, कृष्ण कहते फिर मैं खुद को खुद उसको दे देता हूँ। बोले भैया आज से मैं तैयार हो गया,
मेरी भक्ति दे देता हूँ। अगर कोई धा बोले राधा, ये दो अक्षर बोल दे, कृष्ण कहते हैं उसको पीछे पीछे तो फिर मैं भाग में लगता हूँ, वो जिधर जिधर चलता है ना उसको पीछे पीछे मैं भी भाग में लगता हूँ। इसलिए बोले राधे राधे रखकर चले आएंगे बिहारी। इसलिए जो पहला जो श्लोक है वो राधा कृष्ण दोनों को यहाँ पर प्रणाम करते हैं, जुगल सरकार को प्रणाम करते हैं। इसलिए अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, राधा जी को साथ में कृष्ण को पूजा करनी चाहिए। क्या जो दूसरी जो श्लोक है कभी ये प्रतिज्ञा बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है, देखो कथा कितने महत्व है। जैसे ये जगन्नाथ धर्मशाला में कथा हो रही है, अभी घर में बैठे हो लेकिन आपको पता चला कि यहाँ कथा हो रही है, अगर किसकी मन में इतनी सी केवल इच्छा हो जाए बोले भैया आज कथा सुनने में जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने में जाऊंगा, केवल तुम्हारी हृदय में इतनी इच्छा हो गई, इच्छा होने का साथ साथ ठाकुर जी आकर उसके हृदय में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे बंध जाते हैं, ठाकुर जी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जैसे एक व्यक्ति अपने आप के घर में जाए और अपने आप को पूजने लगा, उसी तरह बातें बिहारी केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। अगर सचमुच से कोई कथा में आकर के बैठ जाए बोले भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, जो कथा जो सुनते हैं वो बड़ी पुण्यात्मा है, इसलिए करोड़ों जन्मों का पुण्य से कहीं ये भागवत कथा जीवन में उपलब्ध होता है। जो तीसरा जो श्लोक है कभी ये आशीर्वाद है, ये भागवत हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो कल हम सुन रहे थे ना, ये कथा नहीं सुन रहे हैं बोले क्या कर रहे हैं, बोले ये भागवत को कल्प वृक्ष बताया, कल्प वृक्ष का मतलब होता है आप जो कुछ मांगो साथ में अगर सही सही सुनो, एक तो नियम से सुनो, ऐसे नहीं आधा में बीच में चली गई आधा में आई, नहीं कथा से पहले और कथा को बाद में जाओ। कथा कैसे सुननी चाहिए बोले श्री हनुमान जैसे, कैसे सुननी चाहिए हनुमान जैसे सुननी चाहिए, हैं बोले भैया हनुमान कैसे कथा सुनते हैं, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुने होंगे, ये रोज जब वो शौच क्रिया में जाते थे कि लोटे में पानी लेकर जाते जंगल में, शौच क्रिया के बाद में एक वृक्ष था नीम का वृक्ष, उसकी जड़ में पानी डालते थे, लेकिन वो वृक्ष में एक भूत रहता था, उनको पता नहीं था भूत, एक दिन वो भूत स्वयं प्रकट हो गया, बोले तुलसीदास जी आप रोज मेरे को पानी पिलाते हो, नहीं तो मैं बड़ा कष्ट भोग करता हूँ, कि वो जो प्रेत है जिसका अपमृत होता वही प्रेत बनता है, वो कभी शुद्ध पानी को नहीं पी सकता अशुद्ध पानी, इसलिए नियम है जैसे कपड़ा सुखाते हैं ना कभी भी गीले कपड़ा नहीं सुखाना चाहिए जैसे पानी टपकता है, क्योंकि वो अशुद्ध मानी जाती है और वो उसको प्रेत पान करते हैं, और जो शौच क्रिया को बाद में जो पानी वो तो अशुद्ध हो जाएगा ही है, बोले तुम्हारी पानी को पी पी करके मैं जीता हूँ, मैं तो बड़ा कष्ट उठाता था, बताओ तेरे को क्या चाहिए, मैं आज तेरे को देना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास राम का भगत है, बोले ये प्रेत कहता है जो माधव में तुलता हूँ वो तो चतुर है, बोले मेरे को राम लक्ष्मण का दर्शन करा सकते हो, भूत ने कहा अगर मैं तेरे को स्वयं ठाकुर का दर्शन करा सकता था फिर तो भूत भी पर मेरी तो मुक्ति पहले हो जाती, लेकिन मैं तेरे को उपाय बता सकता हूँ, बोले बताओ, बोले तो अमुक स्थान पर जाना, देखना वहां पर रोज प्रभु राम की कथा होती है, आप देखना सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा, एकदम रुग्ण शरीर मैला कपड़ा पहना हुआ, और उस सबसे पीछे वो व्यक्ति बैठेगा, कैसे बैठेगा, कैसे नहीं आए और कथा में झट बैठ गए, नहीं कथा में आकर के पहले प्रणाम, क्योंकि जिस स्थान पर ये कथा होती है बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है बोले सर्वानी तीर्थानी बसंती तथा, गोस्वामी जी कहते हैं पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है जहाँ पर ये कथा होती है वहीं पर सारे तीर्थ का निवास है, जो कथा सुन लेते हैं संत लोग पृथ्वी का सारे तीर्थ में बैठ बैठ गई आपने स्नान कर लिया, इसलिए आकर के क्या करो सबसे पहले स्थान को प्रणाम करो, जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम करो, और जो कथा सुना रहे हैं उनको प्रणाम करो,
और जाते समय ऐसे खड़े होकर और चले गए, नहीं, जाते समय भी सबको प्रणाम करते हुए क्या से जाओ। देखना वो हनुमान जी, वो हनुमान जी है, वो और कोई नहीं, सबसे पीछे बैठेंगे। और कैसे बैठेंगे? हाथ जोड़ करके। कथा कैसे सुनेंगे? आंखों से आंसू बहाते हुए। और उनकी जो पुलक, उनका जो रोमावली, वो खड़ा हुआ देखोगे, बड़ी प्रेम से गदगद होकर कथा सुनेंगे। जब कथा की विश्राम हो जाएगी, जब सबके सब चले जाएंगे, ये सबको प्रणाम करते हुए जाएंगे हनुमान, आप उनकी चरण को पकड़ लेना, क्योंकि जब तक हनुमान की कृपा नहीं बना तब तक राम लक्ष्मण नहीं मिलते हैं। उन्होंने ठीक वैसे किया, उन्होंने तो चरण पकड़ लिए, बोले देखो तेरे को वंचना करने के लिए कोशिश कर, लेकिन मानना नहीं, वो हनुमान जी है। और उन्होंने चरण पकड़ लिए, हनुमान जी बोले मेरे को छोड़ो छोड़ो, मैं शूद्र हूँ, मेरे शरीर में कुष्ठ व्याधि तो मेरे को छू लिया, अपवित्र हो गए हो। लेकिन उन्होंने छोड़े क्योंकि वो भूत ने कहा था, बोले आप तो श्री हनुमंत लाल जी है, मेरे ऊपर में कृपा करो। जब छोड़े नहीं, बोले बताओ तेरे को क्या चाहिए, बोले मेरे को राम लक्ष्मण का दर्शन कराए। बोले देख बेटा एक काम कर, बोलना चित्त कूट के घाट पे है संतन की भी और तुलसीदास चंदन भी से तिलक देत रघुबीर। बोले तू चले जा चित्रकूट घाट, वहां पर चंदन गीत रहना और सबको चंदन पहनना, और रोज राम लक्ष्मण भी स्नान करने आते हैं और तुमको दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर गए, चंदन घिसते थे, जो आते थे चंदन लगाते थे, लेकिन उनका एक नियम था। बोले क्या नियम था? वो कभी भी अपना सर उठाकर कभी नहीं देखते, वो हर समय अपना सर को चलते समय सर को नीचा करते हुए चलते थे। बोले क्यों? बोले देखना भजन में सबसे ज्यादा जो प्रतिकूल ये आग है। आप देखो जो भजन करने के लिए बैठो, हम इन्हीं आंखों से जो जो चीज दर्शन करते हैं ना, वही गंदी गंदी चीज याद आता है। इसलिए जो स्मार्टफोन है, अभी इंटरनेट, जो टीवी वीवी, ये सारे सारा दुनिया की गड़बड़ करने वाले हैं, सारा दुनिया को यही गड़बड़ करने वाले हैं। अभी इंटरनेट ने भ्रष्टाचार की सब चीज बना कर रखे, सारे बच्चों को जीवन को यही बिगाड़ करके रखे। पहले क्या होता था, समय होता था, थोड़ी माताएं गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी। अभी समय हो तो टीवी खोल कर बैठो और उसमें सांस दो बिगड़ाई। अभी तो पहले एक ही चाले में था, अभी सारा दुनिया की चाले में आ गया। अभी बैठ करके सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा चीज को देखते रहो। अब देखना भजन करते समय इन्हीं आंखों से जो जो चीज देखोगे ना, तुमको वही वही याद आएगा। इसलिए ये आग सबसे गड़बड़ी चीज है। इसलिए हमारे संप्रदाय के जो संत हुए हैं, देखो उनकी कथा सुनो, उनका नाम था बिल्लो मंगल। ये संत की कथा सुन लो, ये संत, उन्होंने एक वेश्या को प्रति उसका आसक्ति हो गया था। ये रोज वो वेश्या के घर में जाए बगैर रह नहीं सकते थे, तो रोज वो वेश्या को पास में जाना और जाते समय एक नदी पार करते हुए चलते जाते थे। एक दिन घर में पिताजी की मृत्यु हो गई। अभी उसके लिए क्रिया कर्म करना पड़ेगा। अभी उसको क्रिया कर्म करते करते हो गया रात, लेकिन वो तो जाए बगैर रह नहीं सकता, वेश्या का नाम तो चिंता नहीं। अभी उसने घना घोर अंधकार, बारिश हो रही है, लेकिन उसने तभी उसको पास में गया और दीवार के ऊपर में चढ़ा और छलांग लगाया। उसने दरवाजा बंद करके सो गई थी, आवाज हो गई, बोल उठ गई, लाइट जलाई, देखा ये बिल्लो मंगल। उसको पूछा आती है बताओ तू ये दीवार के ऊपर में चढ़ा कैसे? बोले एक रस्सी लटक रहा था। उसने दिया जला करके लाए, देखा वो रस्सी नहीं, वो एक सांप है। वो सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया। बोले तुमने ये नदी को कैसे पार कर गया? बोले एक लकड़ी की लकड़ी बह रहा था, वो नदी थी पास में, वो जा करके देखा लकड़ी नहीं, वो एक सब है और बड़ा हुआ मृत शरीर है। मतलब वो इतने आसक्ति उसको प्रति हो गया था, वो सांप को भी मान लिया लकड़ी और सांप को भी समझ लिया रस्सी। इतने में वो तो बड़ी ज्ञानी थी, वो वेश्या भी ज्ञानी थी, बड़ी सुंदर संगीत गाया करती थी। उसने उसको ताना मारे, बोले बेटा तो ये शरीर किस चीज से, ये शरीर बनी हुई है? ये ताती पेशाब खून पीक से बना हुआ है।
ऊपर में दिखता है तो बढ़िया, किसका पेट मार के रखो सुधार जाएगा, कोई भी यहाँ बैठेगा नहीं। आप सवेरे देखना ये शरीर से केवल बदबू बदबू आती है, सवेरे सो करके देखो मुंह से बदबू, नाक से बदबू, कान आंखों से गंदी, कानों में और नीचे तो गंदी गंदी निकलती है, और शरीर में थोड़ा गर्मी हो जाएगा इतना शरीर से बेचे। आप ब्यूटी पार्लर में जाकर सज कर आओ गर्मी में, आप निकलो 5 मिनट के बाद में देखोगे सारे शरीर से बदबू बदबू। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पंच रजित ये अधम शरीर, ये शरीर अधम शरीर है, ये गंदा शरीर है। वो वैसे समझा रहे हैं बोले तू ये गंदे शरीर में इतनी आसक्ति, जितने तुमने ये शरीर में आसक्ति किया, अगर एक इसका 1% अगर ठाकुर को प्रेम करता है ना तेरे जीवन बदल जाता, तेरे को शर्म नहीं लगता है। पिताजी की क्रिया कर्म है उसको पूरा नहीं किया, उसको कलया दिया पर उसने ऐसे भर्सना उसको की एकदम उसको हृदय में बड़ा ठेस पहुंचा। बोले बात सही कह रहे हैं, जब हमें सब छोड़कर भजन के लिए जा रहा है, अभी भजन के लिए चल पड़ा। अभी चलते चलते के गांव में पहुंचा, एक कुएं में कुछ माताएं पानी भर रही थी, वहां पर पहुंचा पानी पीने के लिए, लेकिन एक बड़ी सुंदरी सेठानी थी। अभी उन्होंने पानी पिलाई उसको, रूख देकर फिर पागल हो गए, फिर उसको पीछे पीछे चल पड़ा। अब वो तो जल्दी जल्दी घर में जा रहे घुस गई, अब ये बाबा जा रहे हैं बड़े दाढ़ी उनको चटा चुके हैं, दरवाजा में खड़े हो गए। इतने में सेठ जी आए बोले बाबा आपको क्या सेवा करे, बोले आपका पत्नी को थोड़ा बुला। पत्नी बोली मैं नहीं जाती, वो मेरे पीछा कुआ से कर रहा है, मैं नहीं जाती। बोले चिंता मत कर मैं हूं ना। लेकिन जब वो आई बोले बताओ क्या चाहिए। अब गंगा माता आई, पहले जो केस होता था ना उसमें कांटे से, वो कांटे से अपना जो क्या बोलते हो उस कांटे से उसको बांध रखती थी। बोले तुम्हारी जो केस में दो कांटे मेरे को दे दो। उनको समझ में नहीं आई क्या करेगा, उसने जो दो कांटे दिए ना उनको सामने से उन्होंने आँख को खोल दी उनको सामने। बोले न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैंने कहा सब छोड़ करके भजन के लिए आया, देखो फिर ये आसक्ति हो गया ना, इसलिए फिर वृंदावन के लिए आ गए। जब वृंदावन आ रहे थे इनमें ठाकुर जी स्वयं आए वहां के लिए आए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, बोले वृंदावन जा रहा हूँ, बोले मैं भी वृंदावन चल रहा हूँ, बोले मेरे को ना ले चलो। कृष्ण स्वयं उनको लकड़ी पकड़ करके लठिया पकड़ करके कृष्ण स्वयं उनको वृंदावन ले आए, और उन्होंने वृंदावन में इतने भजन किया। वृंदावन गए और कौन वृंदावन में गए देखना, हम देख लेना जो कालिया दह है जहाँ पर भगवान कालिया नाथ रखे ठीक उसको पीछे देखना एक समाधि के लिए, वहीं पर बैठ कर उन्होंने भजन की और साक्षात जुगल सरदार को ठाकुर जी के दर्शन दिए, ठाकुर जी दर्शन दिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का नियम था वो कभी भी सर उठा करके नहीं देखता था, वो जानता है आप गंदी गंदी चीज को देखेगा और बुरे बुरे चीज को अंदर में डालेगा और ये हमें भजन करने नहीं देगा। वो भगवान राम लक्ष्मण तक आए लेकिन उनको तिलक न लगाया, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं मिला। फिर दूसरे दिन आए आकर के फिर हनुमान जी की चरण पकड़े, बोले प्रभु का दर्शन तो नहीं हुआ। बोले प्रभु तो आए थे तुमने दर्शन ही नहीं किया, बोले तुमने शरीर नहीं उठाया। बोले मैं तो सर नहीं उठा सकता हूँ। बोले ठीक है चलो मैं चलता हूँ तेरे साथ में। हनुमान जी पीछे स्वयं बैठ गए। जब राम लक्ष्मण आए ना हनुमान जी बोले देखो देखो ठाकुर जी आए, देखो जल्दी देखो। फिर उन्होंने सर उठा करके श्री राम लक्ष्मण को उन्होंने दर्शन दिया है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए बोले भैया कथा कैसे सुननी चाहिए, हनुमान जैसे, हनुमान जैसे कथा सुननी चाहिए। बताओ हनुमान से बड़े कोई ज्ञानी है जगत में, लेकिन जब वो कथा सुनते हैं ना वो सबसे मानते हैं हम सबसे बड़ा बोलते हैं, हम तो कुछ नहीं जानता हूँ। क्योंकि भगवान की कथा में एक विशेष वस्तु है, जितने सुनना लगता है हमने कभी कथा सुनी है, कभी ठाकुर जी कथा पहला बार ही सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा में इतने आनंद और इतने रस है। इसलिए अगर कोई सात दिन तक ये कथा को सही सही सुने
एक मन से नियम से कथा सुने, भागवत प्रतिज्ञा करता है जो कुछ आप 7 दिनों में मांगोगे भागवत से, भागवत हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देते। हमने बहुत सारी जगह में हमने देखा, बहुत सारी जगह में जिनके बड़े दिन से कोई संतान नहीं थी, बड़े दिन से दुख कष्ट भोग कर रहे थे, बड़े दिन से नौकरी नहीं लग रही थी, भगवान के नाम था वो कथा सुन कर उत्थान ना हो गई। बोले बाबा हमने कथा सुनकर हमारी ये सारी इच्छा पूरी हो गई। इसलिए भागवत को बताया ये कथा नहीं, ये क्या है, ये कल्प वृक्ष है, हम कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हुए हैं, जो मांगोगे वही देगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज को हमें समझाया। बोले क्या समझा रहे हैं? बोले भागवत तो आपका सब कुछ दे देगा, लेकिन हमें ये भी सीखनी चाहिए भागवत से मांगे तो मांगे, ये भी तो सीखनी चाहिए ना, ये तो सीखनी चाहिए। उदाहरण दिया, कोई एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर में गई आदमी, अभी ब्राह्मण ने शंकर जी की उपासना की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वर्मा को उन्होंने हर कुबेर की उपासना की, सारे धन दौलत का जो माली, बोले बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोले मेरे पास में एक गैया है और गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना हुआ दे दो। बोले पागल तू किसी से किसको पास में क्या मांग, मैं कुबेर हूँ, मैं तेरे को इतने धन दौलत दे सकता, तू भी खा, तेरे बेटा भी खाएगा, तेरे बेटा भी खाएगा, कभी ये खत्म होने वाला नहीं, इतने मैं चीज दे सकता हूँ, लेकिन तुमने क्या मांग लिया, गैया को खाने के लिए चुना उसी दे दो। इसका मतलब है ये भागवत हमें ऐसे एक चीज दे सकती है जो इसी जीवन में भी सुखी रहोगे, दूसरे जीवन में भी और जन्म जन्मांतर में सुखी सुखी रहोगे, कभी ये दुनिया की जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ोगे नहीं। बोले वो क्या चीज है, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम है। अगर ठाकुर जी के चरण में भक्ति प्रेम हो गया ना, समझो जीवन का सब कुछ मिलेगा। इसलिए भगवान हनुमान जी को जब बोले हनुमान जी बड़े से वर मांगो, देखो हनुमान जी से सीखिए, जब भगवान राम बोले, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता है ना, ये माता सीता की कभी उद्धार नहीं हो सकती, तेरी वजह से माता सीता की उद्धार हुई। आज जो तुम कुछ मांगोगे हम सब कुछ दे दो तुम्हें, तुम दिल खोल के मांग लो। देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार वर मांगो हरसी देहु श्री रंग पदा सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग प्रभु। आपको एक बार में बारंबार में एक ही चीज की प्रार्थना करता हूँ, आपके भक्तों का संग दो, आपकी चरण की भक्ति दो, चरण की हमें सेवा दे दो और संतों की हमें संग दे दो, है क्योंकि इसी से ही शांति सुख। अगर भगवान की भक्ति मिल गई ना, अगर पिताजी का अगर अपना बेटा बन गया, जैसे अंबानी जैसे टाटा बिरला है, अगर उसकी घर में अगर कोई बेटा बन करके आ गया फिर क्या होगा बताओ, तो सारे संपत्ति का मालिक तो वही बन जाएगा। जब भगवान की भक्ति तुम्हें मिल जाएगी ना, सारे संपत्ति का मालिक आपके आप बन गया, सारी संपत्ति का मालिक भगवान के बेटा बन गया ना, ठाकुर तो था संपत्ति दुनिया की मालिक है। इसलिए भक्ति भगवान से, प्रभु की सेवा और भगवान की भक्ति हमें मांगनी चाहिए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले ओम नैमि से अनिमि से क्षेत्र ऋषया सौनता दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासते। अभी गौर कलिजी बात है, अभी ये सोनका ऋषियों ने ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले आप बताओ कि कलिजुग से हम कैसे बचे। कलिजुग का मतलब क्या है? बोले कलिजुग का मतलब केवल कलह कलह है। आप देखना परिवार में कलह है, बहु में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, जात जात में लड़ाई, अब तो तीन जन बेटे होंगे बीच में, देश से देश से लड़ाई, मन मन में लड़ाई। आप देखना कली मतलब कल है, सब जगह में देखोगे, जहाँ ऑफिस में देखोगे लड़ाई झगड़ा, आप कहीं भी जाओ देखोगे और कुछ है, इसलिए इसका नाम कलियुग है। बल ये कलियुग में हम कली से बचे कैसे और प्रभु का भक्ति कैसे हो,
बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान, वहीं पर भजन करो, ये कलयुग तुम्हारी पर में कोई असर नहीं कर सकता है। वो चक्र जहां पर जहां गिरना है उसका नाम पड़ गया नैमी शरण। आप लोग कोई गए हो नैमी शरण? नैमी शरण कौन गए? आप गई हो नैमी शरण? और कौन गए नैमी शरण? कोई नहीं गए। देखो अब भी गए हो, देखो उम्र रहते रहते ना सारे तीर्थ तो उम्र रहते रहते करके लग जाएंगे। ये मत समझो, आप लोग ये मत समझो जब बुढ़ापा हो जाएगा जब कोई से कुछ काम की नहीं रह जाएंगे, रिटायर्ड लाइफ में हम जब तीर्थ करेंगे नहीं। देखो आप लोग वृंदावन में गए हो, कौन कौन वृंदावन में गए? वहाँ पर अंग्रेजी मंदिर देखना, अंग्रेजी मंदिर, अंग्रेजी मंदिर देखे होंगे आप, देखना विदेशी लोगों को। ये लोग हमारे भारत में आकर के ना जितने सारे तीर्थ हैं ये भ्रमण करते हैं। देखो हम लोग तो चाहते हैं हम अमेरिका जाएं और पैसा कमाएं और सुखी हो जाएं। हम लोग हमारे गुरु जी का भी कुछ विदेशी भक्त हैं, जब उनकी वीजा खत्म हो जाती है ना अमेरिका फ्रांस लंदन, जब उनकी वीजा खत्म हो जाती है ना वो इतने दुखी होकर के जाते हैं, इतने दुखी होकर के जाते हैं, बोले भगवान हमें ये अमेरिका में क्यों जन्म, कहते भगवान हमें ये भारत में क्यों जन्म नहीं दिए, इतने पुण्य भूमि जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ पर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, जहाँ पर भगवान की धाम है, जहाँ पर प्रभु का धाम है, जहाँ अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया, वो दुखी दुखी होकर के जाते हैं, बोले भगवान हमें क्यों अमेरिका में क्यों जन्म दिया, हमें ये भारत में क्यों जन्म नहीं दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं आप कहो, नहीं शायद हम अमेरिका जा कर के ना शायद ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बोले भैया अगर ज़्यादा पैसा में सुखी होते तो वो अमेरिका छोड़कर फिर इधर क्यों आए? आप गए हो वृंदावन देखना अंग्रेजी लोगों गला में कंठी तिलक माला, भगवान की भजन करते हैं सबके सब, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो फिर हमारे भारत में क्यों आए हो सबके सब? देखा भैया शांति सुख तो भगवान की भक्ति में ही है, भगवान की भजन में ही शांति सुख है और कहीं शांति सुख नहीं। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी जो अमेरिका में गए उनका पहला लेक्चर था, जानते हो उन्होंने पहला लेक्चर क्या दिया? बोले मैंने सुना है ये अमेरिका बहुत समृद्ध देश है, अमेरिका में बहुत पैसा है, लेकिन जब मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूँ सबसे ज्यादा कहीं सुइसाइड करके मरने वाला था अमेरिका, सबसे ज्यादा सुइसाइड करके। तब हमारे जो इस्कॉन का जो गुरु जी उनको ले गए छत के ऊपर, बोले भैया ये क्या है? बोले जिसको मरना है ना एक स्थान निर्दिष्ट किया, कहीं से आकर तो मरो और घर छलांग लगा दीजिए यही आकर के। इसलिए जो शांति सुख है भगवान की भक्ति नहीं, पैसा में नहीं है, शांति सुख तो भगवान की भक्ति नहीं है। तभी वो लोग भारत में आकर के कंठी माला तिलक है लगा करके सभी वो भगवान की भजन करते, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 वहीं पर स्वर्णकार ऋषियों ने हजार सालों से बैठ गए थे, तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी वहां पर आए, उनको देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, उनको आसन दे करके बैठाए। बोले आज का हमारे जीवन धन्य हो गया, बोले क्यों? आज साधु का दर्शन हमें मिला है। बोले ये सुतो गोस्वामी कौन है? बोले जब सुखदेव गोस्वामी भगवत कथा सुना रहे थे ये सबसे पीछे बैठ कर कथा सुन रहे थे, और श्री सुखदेव गोस्वामी जो जो कथा को बोले वो एकदम हृदय में उसको उन्होंने क्या किया, सब चीज को उन्होंने अपना हृदय में सब चीज को उन्होंने धारण किया श्री सुखदेव गोस्वामी।
और इनका नाम उग्र सभा सूक्त। उग्र सभा मतलब जो एक बार जो कथा को सुन लेते थे वो कथा को पूरा के पूरा याद कर लेते थे। बोले आप तो गुरु जी की कृपा से ये वेद वेदांत उपनिषद को अपने सब कुछ अध्ययन किया है, इसलिए आप कृपा करके बताओ। तो उन्होंने उनको 6 प्रश्न किया है, हैं? और जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है यदि ये श्रीमद् भागवत है। अभी मैं 6 प्रश्न को मैं बोलूँगा और आप लोग कल आपसे मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा किसको याद है, ठीक है ना। और ये 6 प्रश्न का उत्तर ही ये भागवत ग्रंथ। अभी ध्यान रखिए सुन, वो जो प्रश्न है वो हम लोगों के लिए प्रश्न कर रहे हैं। इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति दे सकती है, ये इनका पहला प्रश्न। देखो जगत में सबसे जो अनमोल वस्तु शांति है ना। अगर हमारा पास में बहुत संपत्ति, अगर शांति नहीं, वो संपत्ति का कोई महत्व नहीं। हमारा जगत में बड़ा इज्जत है, बड़ा नाम है, लेकिन अगर घर में शांति नहीं तो वो नाम महिमा की कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर 2 रोटी में अगर शांति मिलती है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर 2 रोटी में अगर हमें शांति मिल जाए, ये बहुत बड़ी। इसलिए जगत में सबसे बड़ा जो अनमोल वस्तु है वो शांति और सुख है। इनका पहला प्रश्न है शांति कैसे आत्मा को, ये करोड़ रुपया की ये प्रश्न है, शांति कैसे आत्मा को, शांति कैसे। बोले देखिए जो दूसरी प्रश्न है, बोले कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल होता है, क्योंकि जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता है ना, तब तक जीव कभी शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि विमुख कभी शांत सुख नहीं पावा। मतलब भगवान से विमुख होकर के हम कितने पैसा कमाएंगे, कितना दुनिया दारी, रावण जैसे व्यक्ति जिनकी सोने की लंका, मंदोदर जैसे पत्नी, मेघनाद जैसे बेटा, उसको भी शांति नहीं। लेकिन लंका में एक व्यक्ति चैन में रहा था, वो कौन है, बोले से विभीषण। बोले क्यों, वो भगवान की भक्ति करता था, भजन करता था, इसलिए केवल वही चैन से जीता रहा था और सबके सब बेचैन। इसलिए हनुमान जी गए तो उन्होंने क्या किया, पूरा लंका में उन्होंने आग लगा दी। क्या किया उन्होंने, लंका में आग लगा दिया, लेकिन पूरा लंका को जलाया, लेकिन एक का घर नहीं जलाया। किसका घर नहीं जलाया, हाँ केवल विभीषण का घर उन्होंने नहीं जलाया। बोले क्यों, हनुमान जी ये शंकर है, हनुमान जी शंकर है, हैं? इसलिए उन्होंने पूरा लंका को एकदम तहलका मचा दिए, हाय हाय करा दिया। लेकिन तो बोले विभीषण का घर बच गया था। बोले क्यों, वो प्रभु राम की शरण में गया। शिक्षा देते हैं अगर हम अगर प्रभु की शरण में जाए, सारा दुनिया भले ही कुछ हो जाए, लेकिन हम सबके सब सही रहेंगे, हमारे कुछ होने वाले नहीं, क्योंकि हम ठाकुर जी की शरण लिए हैं। इसलिए इनका जो दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, इनकी ये दूसरी प्रश्न है। जो तीसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण की कथा में बोले कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण 3 है, उनका 3 धाम है, एक गोकुल धाम है भगवान की, और एक मथुरा धाम है, और एक द्वारका धाम। ठाकुर जी ये 3 धाम में ठाकुर की लीला की है, हमें ये 3 कृष्ण की कथा सुना। उनकी जो 4th प्रश्न है, बोले केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत भगवान युग युग में ठाकुर जी आ गए, कभी राम रूप में आकर के रावण को उद्धार किया, कभी नरसिंह रूप में आकर के हिरण्यकश्यप को, प्रह्लाद को रक्षा की, कभी वामन रूप में बलि महाराज को परम कृपा की। इसलिए हमें सारे ठाकुर जी कथा सुना, भगवान के जितने अवतार सब कथा सुना। इनका जो कितना प्रश्न हो गया, कितना हो गया 4 प्रश्न हो गया। इनका जो 5वां प्रश्न है, भगवान कृष्ण की अद्भुत जस महिमा सुना। जैसे हम आगे सुनेंगे कृष्ण जब 6 दिन के थे उत्तराखंड, कृष्ण जब 7 साल के थे गिरिराज बैठाए, कृष्ण 6 साल के लिए उनने कालियों को सर पर नृत्य की, जब 5 साल के लिए उन्होंने अघासुर बकासुर को मार डाले, जब केवल 1 महीना को भी सकटासुर को मारे,
जब 3 महीना तो त्रिना व्रत कुमारी बोले भगवान की ये जो अद्भुत जो जस है कथा सुना अग्नि का जो छठवां प्रश्न है भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए अभी धर्म कलयुग में कहाँ पर निवास करता कहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया। जब उन्होंने 6 प्रश्न की अभी प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए बोले क्यों प्रसन्न हो गए बोले ये जितने सारे प्रश्न हैं सब ठाकुर जी के संबंधी प्रश्न केवल प्रभु के संबंधी प्रश्न नहीं कोई दुनियादारी की कथा नहीं क्योंकि दुनियादारी कथा में झूठ है और ठाकुर जी की कथा में आनंद है ठाकुर जी कथा में आनंद है। बोले भैया उन्होंने जो प्रश्न की तो केवल भगवत संबंधी प्रश्न की मतलब भगवत चर्चा अगर करेंगे तो जीवन में बड़ा शांति और सुख मिलेगा इसलिए वो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले मैं सबसे पहले अपना गुरु जी की प्रणाम करके फिर भारी प्रश्न का उत्तर दूंगा इसलिए पहले उन्होंने गुरु जी के चरण में प्रणाम कर दी। बोले इसलिए उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु जी की प्रणाम की। देखो लेकिन गुरु जी को तो प्रणाम की लेकिन एक बात बताए ना बोले गुरु कर ज्ञान के और पानी पियो छान के। देखो गुरु करनी चाहिए और दुनिया गुरु कर रहे हैं और हम भी गुरु करती हैं। शास्त्र ने बताया गुरु जी को परीक्षा करनी चाहिए परीक्षा करके शास्त्र ने बताया गुरु जी की 3 लक्षण होनी चाहिए। कितना लक्षण उनका 3 लक्षण होनी चाहिए। बोले क्या 3 लक्षण होनी चाहिए कि कृष्ण गीता में ये कह रहे हैं और भागवत की 1 स्कंध में वहाँ पर बताए गए। बोले तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासो श्रेयोत्तम साते परे च निस्नातम ब्रह्म निरुपसमास। ये बताइए पहला गुण होनी चाहिए उनकी गुरु जी की ये सारे शास्त्र को जो जाने
क्योंकि अगर सब शास्त्र उनको पता नहीं हो ना, जैसे आप कोई प्रश्न किया फिर वो तो नहीं दे सकते, अगर सारे शास्त्र पता होगा तभी आपके प्रश्न की ये उत्तर दे सकते, इसलिए पिता पहला लगे हैं। कभी यही क्या सब कुछ बोले नहीं, ये इनके बाहर लगे हैं, बोले इनके अंदर का लक्षण क्या है, बोले परी, बोले बड़े मतलब जैसे जगत में बड़े बड़े पंडित लोग हैं, जगत में बड़े बड़े पंडित लोग हैं, कोई से पंडित जो एकदम धराधर संस्कृत श्लोकों को बना बना के बोलते हैं, बोले फिर क्या वो गुरु बन जाएंगे, बोले नहीं, उनकी जो विशेष लक्षण है भगवत भजन परायण है, केवल ऐसे नहीं दूसरों को उपदेश देने के लिए ही पंडित है लेकिन अपना जीवन में कोई आचरण नहीं लाते, नहीं देखो वो 24 घंटा वो भगवान की भक्ति में लगे हुए कि नहीं, ये चीज देखने वाली चीज है, प्रभु की भजन परायण अनुभूति परायण की चाहिए। कहते इनकी दूसरी लक्षण है, बोले तीसरी लक्षण क्या है, कहते ये जो माई की जो संसार है ये संसार की मोह में बंधे नहीं होनी चाहिए, हम गुरु जी शरण क्यों लेते हैं, ये संसार से पार होने के लिए। उदाहरण दिया जैसे कि कुएं, अगर दो व्यक्ति कुएं में पड़े हुए, एक व्यक्ति दूसरे को कहना है ये कुएं से निकालो, बोले भैया कौन किसको कुएं से निकालेगा, तुमने तो कुएं में पड़े हुए, कौन निकाल सकता है, बोले कुएं को ऊपर अगर कोई हो, अगर वो हमें रस्सी फेंके हम उसको पकड़े फिर वो खींच करके हमें वो ऊपर फिर वो उठा सकता, सब भी उठा सकते हैं। इसका मतलब है हम जैसे अपना बीवी में बच्चे में दुनियादारी में मोह में पड़े हुए, हम देखते गुरु जी भी उसी स्त्री मोह माया में और माया में वो भी ऐसे पड़े हुए, बोले भैया ऊपर हम उधार नहीं कर सकते हैं, ये माया मोह से ऊपर होनी चाहिए तभी हमें कोई दुनिया से ये संसार से निकाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु जी की चरण की उन्होंने वंदना की, वंदना बोले मेरे गुरु जी कौन है, बोले मेरे गुरु जी भैया छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, मेरे गुरु जी से सुखदेव गोस्वामी जो मैया के पेट में 16 साल तक रहे और गर्भ में बैठ बैठ करके भजन कर रहे थे, उनको पिता व्यास देव जी ने कहा बोले बेटा तू है कौन, तुम 16 साल तक माँ के पेट में रह रहे हो, हम लोग गर्भ में बच्चे को धारण किया ना 9 महीना तक, हमको पता होगा 9 महीना में क्या स्थिति होता है अगर पेट में कोई बच्चा 16 साल तक रह जाए, बोले ये माँ को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो बेटा बाहर निकल करके आ जा, बोले पिताजी यहाँ पर मैं बसती हूँ बढ़िया हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रभु की भजन हो रहा है भक्ति हो रहा है और ये माया में आना आपको भूल जाए, ये माया की संसार यहाँ पर सब भूल जाते हैं तेरे को, इसलिए गर्भ में प्रभु का भजन हो रहा है यहाँ पर तो मैं बढ़िया हूँ मैं अच्छे तरह से हूँ, ये माया संसार में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। देखो हम परसों सुनेंगे ये कथा को, भगवान कपिल देव अपना माँ को ये कथा सुनाते, बोले माँ जब पेट में 7 महीना बच्चे को हो जाए तो ज्ञान होता है और उन्होंने गर्भ में टाटी पेशाब का थली में बच्चे को रखना पड़ता है, जब ऊपर थोड़ी सी पतला कपड़ा रखना है लेकिन पेट में इतनी गर्मी है आज अगर रसगुल्ला खाना तो बेटा बच्चे निकल जाती है, इतनी गर्मी ये पेट को अंदर में और गर्भ में बच्चे रहते हुए माताओं का चटपटी अच्छी नमकीन मिर्च खट्टा मीठा ये सब अच्छी लगती है और इसको खाए तो बच्चे बड़ा कष्ट होता है और जब पहले जब बनता केवल एक मांस होता है कुछ नहीं होता है चमड़ा भी नहीं होता है अगर उसमें ब्रिज लगे तो कैसे लगेगा, बोले बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, वो भगवान को पुकारता है बोले प्रभु मेरे को ये नर्क से निकालो, भगवान कहते हैं बताओ अभी तू क्या करोगे, बोले प्रभु एक बार निकाल दोगे ना फिर मैं कसम खाता हूँ कभी भी ये माया संसार में प्रवेश नहीं करूँगा, उठते बैठते सोते तेरा नाम जप करूँगा, बोले सही बता रहे, बोले प्रभु एकदम सही बता रहा हूँ, बोले भूल जाओगे तो ठाकुर जी कहते हैं देखो बीच बीच में तेरे को मैं वार्निंग भी दूंगा, बोले प्रभु क्या वार्निंग दोगे, बोले जब पहले एक बाल पक जाए ना जब ये फर्स्ट वार्निंग आप लोग तो ध्यान लगा कर देखना जब बाल पकता है ना ठीक है किसी को भी देख लेना यहीं से बाल पहले पकता है, बोले कान में पहला बेल बजा दिया देखो जाने का समय हो गया तेरा, तू भगवान से बोल करके आया था ना तेरे नाम लूंगा भजन करूंगा भक्ति करूंगा, कितने समय माला जब करते हो भक्ति करते हो और कितने समय टीपी और गप्पे मारती हो, लेकिन हम क्या करते हैं ना उसका वार्निंग नहीं सुनते हैं, पहले बाल पकते हैं उसको उखाड़ देते हैं,
बड़ी और बुरा बुरी हो गई, इतना जल्दी हम बना रहे हैं। दूसरा बाल पकड़ा फिर उसको उखाड़ देते हैं, तीसरा उखाड़ देते, अगर खिचड़ी बन गई फिर मेहंदी कलर लगा करके फिर उसमें ताला कर लेते हैं। बोले थोड़ी हमारा भी कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते दूसरा बार में कि तुम बोले क्या दोगे, बोले आंखों में देखना कम धीरे धीरे लग जाए। फिर बढ़िया चश्मा लगा करके हीरो बन कर घूमते, बोले यार हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर तीसरा बार में कि तुम बोले क्या दोगे, बोले ठीक ठीक जो हंस रहे हो ना एक एक दांत तोड़ना सुंदर होगा। फिर जब पूरा दांत टूट जाए फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर बढ़िया दांत लगा लेंगे। कहते अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है। भगवान के तो फिर फौज हुआ आदमी की तुमका, बोले क्या करोगे, बोले फिर तुमको दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगी, फिर डंडा पकड़ना पड़ेगा, कमर टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी। ये भगवान कह देंगे एक एक वो आदमी की है, मतलब समय रहते क्या करो ठाकुर जी की भक्ति कर लो, भगवान की भजन कर लो, फिर तीप्त आदमी, फिर तीप्त आदमी नहीं फिर राम राम सत्य हो जाता है। एक बार हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। एक बार जोर कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा वंदना करके फिर उनका प्रश्न का उत्तर दिए। बोले बताओ पहला प्रश्न क्या था, कौन बोले हाथ उठा, ये पहला प्रश्न क्या था, बोलो कौन बोले हाथ उठा पहला प्रश्न क्या था, क्या भूल गए हो क्या, आत्मा को शांति दे सकते। देखो इसका उत्तर उन्होंने एक श्लोक में देते हैं, इसलिए ध्यान से प्रश्न, क्योंकि हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं ना शांति के लिए है ना, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना शांति के लिए तो करते हो, लेकिन ना सामने एक समस्या हम सोचते हैं भैया किसी तरह से कि एक समस्या हल हो जाएगी ना शांति के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना वो एक समस्या तक गई नहीं, तीन समस्या सामने खड़ी गई। फिर कोशिश करते हैं भैया किसी तरह से तीन समस्या खत्म हो जाएगी ना फिर हमें चैन मिलेगी, लेकिन ना वो तीन समस्या खत्म नहीं हुई, सामने पांच समस्या, जैसे मकड़े जैसे जाल बनाती है ना, वो बनाते बनाते कितने फंस जाती है लात में उसमें ही प्राण त्याग दे देता है। देखना हम भी जीवन में केवल दुख को दूर करते 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 जीवन खत्म, उसमें जीवन समाप्ति हो जाती है, है? लेकिन इसलिए इनका प्रश्न है आत्मा को शांति, कहते ये बच्चे है ना, किसके बच्चे है, ये बच्चे को गोद बैठा दो, बच्चे गोद में बैठा, इसलिए इसलिए इनका प्रश्न है, आप ध्यान देकर सुने इसका आंसर दे रहे हैं, समझो ये करोड़ रुपया की ये आंसर है, हैं? बोले आंसर क्या देते हैं, बोले सबई पुंसांग परो धर्म चंद भक्ति रघुक्षजे आहाय तुम्हें अप्रतिहता जया आत्मा संप्रतिहति। बोले आत्मा को सबई जब आत्मा सम प्रसिद्ध थी, मतलब आत्मा को पूर्ण शांति कैसे मिलेगी, हैं? कहते सबई पुंसांग परो धर्म, कहते पहले हमें ये पता होनी चाहिए हम कौन है, फिर जाकर के फिर कोई काम करोगे। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए गए, सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन, तुमने सीए किया ना डॉक्टर किया ना इंजीनियर किया, अगर तुमने इंजीनियरिंग किया लेकिन अगर तुमका डॉक्टर का काम दे दिया आप डर पाओगे बताओ, आपने डॉक्टर भी किया आपको सीए का काम दिया कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जो है ना आपको जो क्वालिफिकेशन है वो वैसे काम को तुम कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जीव है हम एक हो, इसलिए शास्त्र में पहला जो ब्रह्म सूत्र का जो सूत्र है वो कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जिसको पिता के पिता कहते तो गए कहाँ, फिर मैं भी कहाँ जाऊँगा,
मैं भी घर जाऊंगा कहा, फिर इसको हम अपना समझ रखे ही। ये अगर अपना होता तो एक एक कहा जा रहे सबके सब। अगर ये प्रश्न किसके हृदय में आता है ना, ये उपनिषद के माइंड समझना, ये पहले ब्रह्म जिज्ञासा का पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, ये सबका हृदय में ये प्रश्न आनी चाहिए, ये प्रश्न आनी ही चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, फिर जाने के बाद फिर हम जाना कहाँ है, यहाँ पर तो इतना सुंदर मकान बनाया, उसको बाद में कहीं जाने का कोई स्थान है कि नहीं। इसलिए पहला पता चल हम कौन है। बोले भैया तो हम कौन है, और जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब ठाकुर जी के संतान है। इसलिए हम कहते ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो तुम्हें वो सर्गम मंगे। हम भगवान की संतान है, ठाकुर जी का औलाद। अगर हम ठाकुर जी का औलाद फिर हमें क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें शांति सुख मिलेगी। लेकिन अभी क्या हुआ जानते हो, बीच में ना हम किडनैप हो गए, हम बीच में किडनैप हो गए। अब मानते हो हम सबके सब किडनैप हुए, हम सबके सब किडनैप बच्चे हैं। देखो ध्यान देखो सुनो, हम कैसे सबके सब किडनैप बच्चे हैं, ये सारी कथा को आप याद रखना। जैसे कथा सुन करके ना सब अच्छे तरह से सुनो, तुम्हारे जो यार दोस्त हैं उनको भी ठाकुर जी की कथा सुनाओ, उनका भी कल्याण हो। लेकिन हम दुनियादारी बात छोड़ करके दूसरों को ठाकुर जी की कथा सुनाओ, जिसमें शांति और सुख मिले, ठीक है ना। ये सारी कथा को सुनाओ और सारी कथा को याद रखना, ठीक है, याद रखोगे कि नहीं। घर में जाकर के अपना बच्चे को सुनाना, अपना पति को सुनाना है, घर में अपना परिवार को सुनाओ, दूसरा का भी कल्याण हो। ध्यान देकर सुनो, कल मैं सबको पूछूंगा ये, फिर कोई स्टोरी सुनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक समय कोई एक राजा था, राजा के घर में कोई संतान नहीं, राजा बड़ा दुखी है, भविष्य में राज सिंहासन को संभालेगा। अभी बड़ी कष्ट से उसको घर में एक संतान की जन्म हुआ, राजा की आनंद की सीमा नहीं, आनंद की सीमा नहीं, घर में एक लाला की जन्म हुआ है। लेकिन वो बच्चा होश आने से पहले, बड़े होने से पहले कुछ डाकुओं ने वो पैसा के लोग से ना वो बच्चे को किडनैप कर लिया। राजा की दुख का स्थान नहीं, भगवान की कृपा से एक संतान मिला तो वो संतान भी किडनैप हो गया। इतने दुखी। एक दिन उस राज्य में सचमुच से कोई अच्छे संतान, बोले महाराज आप कुशल मंगल है ना, बोले क्या बताऊं, मेरे दुख का कोई सीमा नहीं, कैसे ऐसे बात है। लेकिन वो बड़े पहुंचा हुआ संत थे, बोले मैं देखता हूँ मेरे बच्चा कहाँ पर है, पर ध्यान लगा करके सब चीज को देख लिया, बोले तेरे बेटा कुशल मंगल, बोले जिंदा भी है, बोले जिंदा भी और ठीक ठाक भी है, बोले बताओ कहाँ पर मेरे बच्चा अभी मैं ले आता हूँ। बोले देखो बीच में एक गड़बड़ी हो गई, बोले क्या है, तुम्हारे बच्चे को उन्होंने बचपन से उठा कर ले गया था, जब उसको होश आया उसको पता ही नहीं मेरे बेटा को ना माँ को, उसको पता ही नहीं था। जब वो बड़ा हुआ वो जो डाकू लोग कह रहे हैं हम ही तेरे पिता माता है और हम ही तुम्हारे सब कुछ, जो एक छोटी झोपड़ी में रहता है कभी यही तेरे घर है, वो पूरा के पूरा आपको भूल बैठे। बोले फिर, बोले अगर आप बोलोगे मैं वो बच्चे को जाकर तुम्हें समझाता, अगर वो समझ गए ना उसको असली पिता माता कौन, असलियत भी कौन है, फिर आप उसको ले आओ। बोले बाबा आपका तो बड़ी कृपा होगी, हम तो बड़े दुखी है। अब वो साधु गया, वो बच्चे को अकेला देखा, बोले बेटा इधर आ, पूछा तेरे घर कहाँ पर है, वो जो छोटी सी झोपड़ी थी ना, बोले ये मेरे घर है। बोले तेरे पिता माता कौन है, वो जितना डाकू लोग थे, बोले ये मेरे पिता माता है, ये मेरे पिता माता है। बोले देख बेटा ध्यान देख रहे सुनो, तेरे को मैं अपने तुम्हारे असली परिचय में दे रहा हूँ, ये तेरे घर भी नहीं, ये तेरे कोई पिता माता नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, बचपन से मैं यही देख रहा हूँ, पर इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। बोले देख बेटा ये देश का जो राजा रानी है ना, ये तेरे पिता माता है, ये छोटा झोपड़ी तेरे घर नहीं, राज महल तेरे घर है। एक दिन ये देश का जो राजा बनने वाले हो, रोज रोज छापान भोग खाने वाले, अभी तेरे को तेरे नसीब में रोटी भी नहीं मिल रही, लेकिन छापा में भोग खाने वाले को
रोज रोज बोले फिर बोले देख बेटा पिता माता की चेहरा से ना बेटा का चेहरा मिलता। हम कहते हैं ना देखो ये बेटे को शरीर में माँ की चेहरा है, बोलते ना बोलते इसका पिता का चेहरा देखो, जब देखा पिता माता का दोनों का चेहरा मिलता हुआ आता है, कभी इसका दादा का चेहरा आता है, बोलते है ना बोले देख मेरे चेहरे को देखो तू कैसे सुंदर लंबे चौड़े कैसे गोरे है, अब जिनको तू पिता माता कह रहे हो उनका चेहरा से चेहरा मिला, अब तो राजा रानी को साथ में अपना चेहरा मिला, उसने अभी तक तो कभी इसी विषय पर सोचा ही नहीं, फिर भी सचमुच से जब उसने मिलाया ना वो तो डाकुओं के साथ में तो एकदम उसका चेहरा ही नहीं मिल रहा है, उसका तो चेहरा राजा रानी से मिलता है। बोले आप तो सही बता रहे हो, बोले अपना घर में जाओगे, बोले की तो बड़ी कृपा हो गई, बोले ठीक है तेरे पिता को मैं जाकर समझाता हूँ, जाकर के राजा को मैंने सारी बात बताई, मैंने उसको समझा बुझा दिया, अभी वो मान लिया। बोले कहाँ पर बच्चा, बोले अमुक स्थान पर जाना, वो सारे डाकुओं के अंदर में वो घेरा हुआ है, सैन्य सामग्र लेकर के जाओ और उनको बंदी बनाओ और अपना बेटे को घर में ले आओ। जब उन्होंने अपना बेटे को घर में लाया ना राजमहल इसका घर है, राजा रानी उसको पिता माता रोज छापा में हो और 36 व्यंजन खाने वाला ही, एक दिन देश का राजा वही है, बस एकदम आनंद आनंद आ गया, आनंद आनंद आ गया। देखो हम भी सबके सब पिंडव बच्चे, बताओ हमारे पिता माता कौन है, इसलिए वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता हम, हे अर्जुन इस सारे विश्व ब्रह्मांड का पिता माता मैं, भाई मैं हूँ, बंधु मैं हूँ, लेकिन जीव मेरे को भूल बैठा है और भूल करके इसी संसार में दुख कष्ट जीव भोग कर रहे हैं। अगर जीव को अगर परम शांति पाना चाहते हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं बोले तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शांति, जब तक ये मेरी शरण में जीव नहीं आते हैं तब तक ये जीव को परम शांति और परम सुख जीव को प्राप्ति नहीं हो सकता है, इसलिए हम सबके सब भगवान की संतान है, हमारा कर्तव्य है, हम रहने वाले कहाँ के, बोले भगवान की धाम में रहने वाले जहाँ पर जन्म नहीं मृत्यु नहीं दुख नहीं शोक नहीं कष्ट नहीं, जहाँ पर आनंद आनंद जहाँ पर है, लेकिन ठाकुर जी को भूल करके ये संसार में आए और 84 लक्ष जन्म में भटक रहे हैं, माया की थप्पड़ खा रहे हैं, संसार का जन्म मृत्यु दुख कष्ट में पड़े, इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं अगर जीवन में परम शांति पाना चाहते हो क्या करो, ठाकुर जी की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में जाओ, तभी तुम्हें परम शांति और परम सुख मिलेगा। हाँ देखो हम लोग बोलेंगे हम सबके संत ठाकुर भजन ही कर रहे हैं, पर हमें शांति सुख फिर क्यों नहीं मिलता, बोले भक्ति जैसे करनी चाहिए हम वैसे नहीं कर रहे, बोले भक्ति हमें दो तरह से करनी चाहिए, अध्यात्म कृष्ण भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, बोले एक अहेतुकी और एक अप्रत्ययता, ये दो तरह से भक्ति करते थे शांति मिलेगी, बोले अहेतुकी मतलब बोले भक्ति में कोई कामना बसना नहीं, क्योंकि भगवान हमारे पिता हम उसकी संतान, उनकी सेवा करना ही हमारी कर्तव्य है, उनका विनिमय में कुछ मतलब मांगो पर ठाकुर जी हमें ये दो ये दो ये दो मांगने का कोई जरूरत नहीं, ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ तुम्हें दे ही देंगे, अगर तुम पिताजी की सेवा करोगे पिताजी का सारी संपत्तियां मालिक तू ही कौन बनेगा, तू ही तो बनोगे, इसलिए मांगने का कोई जरूरत नहीं, निष्काम होकर के भजन करो, कामना वासना को छोड़ दो। देखो एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक पिताजी की अथा संपत्ति, उनकी दो बेटे हैं, एक बेटा कहता है पिताजी तभी आपकी सेवा करूंगा, आपका नाम में जितने प्रॉपर्टी मेरे नाम पर पहले होगा फिर तुम्हारी सेवा करूंगा, एक बेटा कहता है पिताजी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आप तो हमारे पिता हो, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, फिर कुछ नहीं चाहिए आपकी सेवा चाहिए, आप बताओ सारी संपत्ति का मालिक किसको दोगे, आप किसको दोगे संपत्ति, जो सेवा करेगा उसको दोगे ना, जोर जबरदस्ती करता है उसको दोगे, जो जोर जबरदस्ती करता है तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा, तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा, हम तो इसी को ही देखे जो मेरी सेवा करता है ना, अगर ठाकुर को सेवा करोगे ना
ठाकुर जी इतने देंगे इतने देंगे, अगर ठाकुर जी हजार हाथों से दे दो हाथ से हम लेना है, इसलिए निष्काम होकर भजन कर। और दूसरे दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, कहते दूसरा है अहेतुकी और अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब है भक्ति तुम्हारी कंटिन्यू होनी चाहिए। उदाहरण दिया जैसे शहद, ऐसे शहद को डालो ना, देखना उसमें के धागा बन जाती है, उसमें के धागा बन जाती है। भक्ति हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते जाए तो हमारी भक्ति कैसे, गुरु जी से माला ली, माला तो जहाँ तहाँ लटक रहा, चूहे का उसने चूहा घोसला बना दिया है, इसलिए गुरु जी माला दी उसे भजन माला ही नहीं करते, फिर कहते शांति नहीं सुख नहीं। अरे शांति सुख कब मिलेगा, भजन करे तो मिलेगा, तो भजन नहीं कर रहे हो, गुरु जी का माला होगा लटका करके तुमने रख दिए, भजन करते तुमको कहाँ से मिलेगी। इसलिए भक्ति निरंतर के मई होनी चाहिए, भक्ति कंटिन्यू। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 महाप्रभु बोले देखो मैं सत्य घर में खाना नहीं खाता। बोले किसको घर में खाते हो, बोले जो लखपति बनेगा, किसको घर में जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले का बात, लखपति मतलब है जिसको घर में 1 लाख सोने की पावर हो, उसको घर में नहीं खाना खाऊंगा। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण पावर हो, फिर क्या हमारे घर में आप खाना ही नहीं खाओगे। देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले कौन है, बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति। इसलिए पीड़ा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं भी फिराऊ गली गली। और जिन जिन ने जो मोती लूटे वो सो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी और कांगाल हुए। इसलिए पीड़ा कहती है जिन जिनियों ने ठाकुर के नाम और के धन को लूटे, बोले कौन कौन, बोले तुलसी भी राम और नर सकता, देखो जिनका नाम अमर हो गया। लेकिन हम क्या स्वप्न देखते हैं जानते हो, हम तो बच्चों को बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनाते, हमारा एक बहुत बड़ा स्वप्न है इनको तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन। अरे 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अब उनका नाम कोई ले रहे हैं, अब बड़े बड़े हीरोइन का जीवन पढ़ोगे ना सब सुइसाइड करते हैं, लास्ट में इतने डिप्रेशन में आई हीरोइन, जितने बड़े बड़े डायना थाएंगे देखो सब लास्ट में सबके सब सुइसाइड करते हैं, इतने डिप्रेशन में आ रही। इसलिए कहते भैया अगर तुम बड़ा बनना चाहते हैं ना भगवान की भक्त बन करके बड़ा बनो, देखो तुलसीदास का नाम सुनो, हनुमान जी का देखो, बिराजमान हो ही नहीं, सारा दुनिया जिनको घर घर में पूजा करता है क्यों, बल्कि इन लोगों ने असली माल को लूटे। लेकिन हम तो दुनिया की पैसा लूटते लूटते लास्ट में बस हाथ पसंद कर जाते, इसलिए बड़ा बनकर क्या बन करके भगवान की भक्त बन करके बड़ा बन जाओ। देखना जब तक ये दुनिया रहेगी ना तब तक तुम्हारी नाम होते रहेगी। इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले निरंतर जब महाप्रभु कहते हैं जो हरिनाम जो माला दिए है ये साक्षात ठाकुर जी आए हैं, इसलिए माला को नियम करके जप करो। इसलिए महाप्रभु बोले असली लखपति और 1 लाख जो नाम जो असली लखपति, अगर 1 लाख मेरे दरअ में देखो कुछ दिन पहले टीवी में अमिताभ बच्चन नाम सुना, अमिताभ बच्चन का वो बोलता था करोड़पति कौन बनेगा, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु भगवान कहते हैं कि लखपति कौन बनेगा। देखो माला देखो आप लखपति कैसे बनोगे, इसमें 108 मोतियाँ हैं, 108 मोतियाँ हैं,
जैसे ये माला जब करते ना मेरे साथ में बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, उसमें एक मोती सरकाते हैं है ना, फिर दो बार बोल रहे दो मोती, तीन बार बोल रहे तीन मोती, देखो एक लाख कैसे बनता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, सोलह बार हो गया, एक बार नाम लिया तो सोलह बार हो गया, इसमें 108 मोती, अगर ये माला को 16 राउंड अगर इधर से उधर कर दिया हो जाता है 25,000, अगर 64 माला कर लिया ना हो जाता है 1,00,000। ये भगवान खुद कहते हैं बोले 1,00,000 माला नहीं, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया भगवान खुद कहते हैं, बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, ब्याज कितना मिलेगी, बीरा कहती है दीन दीन राम आज अगर 1,00,000 नाम किया ना कल तुमको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 बताओ बैंक में 8-7 साल में कहीं डबल होता है और इसमें 4 दिन में डबल, मतलब ये धन इतने बड़ी धन है, इसलिए महाप्रभु कहते भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले निरंतर जमाई होनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं हो, इसलिए हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और हाथों में काम और मुंह में क्या कर ठाकुर जी भी नाम हो गया, और थोड़ी समय निकालो जो माला लेकर के थोड़ी समय जप करने लगे, ठीक है ना, फिर अगर जीवन में कैसे करोगे ना तो तुमको पूर्ण शांति, जैसे हनुमान जी को जैसे शांति मिली, शंकर जी को देखो पंचमुखी राम नाम दान त्रिपुरारी, दिन रात शंकर जी प्रभु नाम जप करते हैं, माता जी की 8 हाथ में देखना एक हाथ में माला, सरस्वती की 4 हाथ में देखना के माला, ब्रह्मा की 4 हाथ में देखना माला, गायत्री देवी की 4 हाथों में देखोगे एक हाथ में माला जप करते हैं, ये सारा दुनिया ठाकुर जी की माला ही जप करते हैं, ये माला नहीं ये माल है, देखो मेरे तरफ जब हम इसको पैसा देते हैं ना ऐसे देते पैसे भी देते, लेकिन जब पैसा लेते हो कैसे लेते हैं कैसे, देखो ये माला कैसे जब करते कैसे कैसे, मतलब कि हम दे नहीं रहे ले रहे, ये माल जमा हो रही है, माल इकट्ठे हो रहे हैं, ये माल माला नहीं ये माल, ठीक है ना, अभी हम बैठ करके माला जब करेंगे, उनकी जो दूसरी जो प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, इनकी दूसरी प्रश्न है, देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, बोले कली योग के बलना महाराया, कली योग के बलना महाराया, कली योग के बलना उसको बोलो भैया कर दो आज हमने व्रत रखा है, मतलब कलयुग में एक दिन भी बगैर खाए पे रह नहीं सकते, वाल्मीकि नाम क्यों बड़ा, वाल्मीकि नाम क्यों बड़ा, उन्होंने राम राम करते करते उनका शरीर पूरा दीमक चाट लिया, पूरा मांस को दीमक चाट लिया, और उनकी पहले मज्जा में प्राण होता था, नारद जी ने आकर देखा मंदिर से श्री राम श्री राम, बच्चा से ये नाम निकल रहा था, कलयुग में अर्ण में प्राण, जब तक पेट में
रोटी डालोगे ना तब तक ये काम करेगा, रोटी नहीं डालोगे तो ये काम नहीं कर सकता है। इसलिए सत्यत्या जी ने कहा यज्ञा। अभी यज्ञ करने के लिए पहले तो निष्काम ब्राह्मण चाहिए, फिर अगर कोई बीड़ी फूंकता होगा, शराब पीता होगा, गुटखा खाता होगा, उससे मंत्र से ये यज्ञ का फल उसको नहीं मिलेगा। फिर तो संस्कृत पढ़नी चाहिए, कभी कभी संस्कृत पढ़े नहीं, जो श्लोक उच्चारण करते हैं वो श्लोक सही नहीं, फिर यज्ञ की भली नहीं मिलेगी। फिर घी चाहिए, अभी घी में सब चर्बी मिला हुआ घी है, अभी शुद्ध है ही नहीं, और उसको अगर देवता को फ्लोरा तो देवता ग्रहण नहीं करेगी। हवन सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए देखा कलयुग में फिर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भैया, रोज रोज यज्ञ करो तो ये यज्ञ भी असंभव है। तो आप अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए आपको पंचामृत चाहिए, अगुर चंदन कर्पूर धूप दीप नैवेद्य फूल और ये सब चीज लाओ, फिर ठाकुर का सेवा पूजा होगी, सेवा पूजा, फिर पवित्र बन करके सेवा पूजा करो। इसलिए भगवान ने देखा ये कलयुग में सब नहीं कर सकते, इसके लिए असंभव है। इसलिए ठाकुर जी बोले भैया इतने कुछ भी करने का जरूरत नहीं, हाथों में जो करो ठाकुर को सेवा मान करके और मुंह में ठाकुर जी की नाम जप कर लो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। बताओ कोई पैसा की जरूरत पड़ी थी, कोई पैसा खर्चा हुआ नहीं, कोई परिश्रम नहीं हुआ, कोई परिश्रम नहीं, बल्कि ठाकुर जी के नाम जब में आनंद आता, आनंद आता कि नहीं कीर्तन में। इसलिए कलयुग में जो साधन है ना इसमें आनंद है, लेकिन दूसरे दूसरे जो साधन का कष्ट है, यज्ञ करो आग को पास में बैठ करके तपस्या करो बिना खाए पिए कष्ट ही कष्ट है, लेकिन कलयुग का जो साधन है ना ठाकुर खूब आनंद है, ठाकुर का नाम लो कीर्तन करो नाचो कूदो खूब है खूब भगवान के नाम करो। इसलिए एक संत कहते थे हम सबके सब पार्टी में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं पार्टी में, बोले पार्टी में क्या काम हो, बोले तीन काम होता है डांसिंग ईटिंग और सिंगिंग, तो एक तीन काम होता है ना पार्टी में, तीन काम होता है। वो संत कह रहे थे भैया एक एक दिन की पार्टी करो, रोज रोज पार्टी करो ना, देखा यहाँ 7 दिन तक हमारी पार्टी हुई, नाचना है ना ठाकुर का भजन में तुम नाचो, गाओगे ना ठाकुर का कीर्तन गाओ, खाओगे ना बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ खाओ, रोज रोज भैया रोज पार्टी होनी चाहिए। अब हमारे मंदिर में जाओगे ना इस मंदिर में देखो भैया हमारा रोज ही पार्टी होगी, रोज ही पार्टी, खूब गाए खूब नाचे खूब कीर्तन करे खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद लगाए। इसलिए कभी कभी पार्टी नहीं, रोज रोज पार्टी करो, लेकिन जो पार्टी है ठाकुर जी की भक्ति की पार्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो अभी हम लोग बैठ गए ना एक माला जप करेंगे, ठीक है, तो कुछ करता हमारे लिए प्रभु जी है वो थोड़ी सी आपके नाम की महिमा हमको सुनाएंगे, इधर यहाँ खड़े हुए इसे थोड़ी सी नाम की महिमा सुनाएंगे और हम एक माला जप करेंगे, इसको ले लो एक माला जप करके एक कीर्तन प्रभु जी कीर्तन लगाएंगे खूब नाचेंगे फिर प्रसाद लेकर जाना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अस्मदीय गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर श्री गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी अति कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरु गौरी और वैष्णव चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी अनेक की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तजन संतजन वैष्णव मंडली और यहाँ के उपस्थित सभी वैष्णव जनों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। सौभाग्य से हमको आज श्री महाराज जी के पावन सानिध्य में श्री हरिकथामृत को पान करने की अपूर्व सौभाग्य मिला है। दुर्वासा ऋषि जिस समय अम्बरीश महाराज जी को चरण में अपराध किया
भागते भागते नारायण जी के पास आए, नारायण उनको एक बात बोले, कहते हैं कि साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय कहम मत अन्यत न जानती नाम दिव्य बनागति, कि ये साधु होते कौन, ये साधु मेरे हृदय है, हृदय से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सोचते हैं हृदय से और समस्त प्रेम प्रेम की विकार हृदय से ही उत्पन्न होती है, माँ की प्यार हृदय से ही बच्चों के प्रति, पत्नी के प्यार पति के प्यार, समस्त प्रेम की जो मूल स्थली है वही हृदय ही है। तो भगवान कहते हैं मेरा हृदय कौन है, कहते हैं कि मेरा हृदय केवल मेरे लिए जो निष्काम भाव से मुझे प्रार्थना करता है, मेरे सेवा की कामना करता है, हे दुर्वासा वो मेरा हृदय है। ऐसे ही जो भगवान की निष्काम भक्त है, जैसे आज हमारे सामने मुख में विराजमान हमारे महाराज श्री, इनके हरि कथा की पाप सानिध्य में रह करके श्रीमद् भागवत की विभिन्न स्कंदों को श्रवण कर रहे हैं, बड़ा ही सौभाग्य है। इसलिए ये शास्त्र में ये जो ये भागवत को दो भगवान की साक्षात शब्दमय वांगमय मूर्ति जो अभी भी महाराज ने आपको बताए थे कि ये है श्रीमद् भागवत शब्दमय रूप, और दूसरा है जो भगवान की भक्त के रूप में ये भागवत है, जैसे शुद्ध साधु के रूप में वही भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। भगवान को हमने देखा नहीं, भगवान को हम जानते नहीं, इसीलिए भगवान केवल जब एक व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं तो वो गुरु के रूप में तथा साधु के रूप में आते हैं। कृष्ण कृपाए गुरु मिले, गुरु कृपाए कृष्ण मिले, भगवान की कृपा होती है तो गुरु के रूप में वे आते हैं। तो वही कहते हैं कि जो चीज इस भागवतम की ये जो ग्रंथ की ग्रंथ में है, यही ठीक ठीक एक साधु के स्वरूप में ही वो दूसरे रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि ऐसे भागवती ऐसे भागवत जो शब्दमय स्वरूप है उनका साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप होकर के महाराज जी आज हमको श्रवण करा रहे हैं। बड़े अच्छे से सुंदर रूप से दो दिन से महाराज जी आपको कथा की और भगवान के नाम की महिमा सुना रहे थे। जितना हमने श्रवण किया है उनके मुखारविंद से, उसको मैं यथायोग्य प्रयत्न करूंगा आपके सम्मुख उपस्थापन करने के लिए। कौशल देश में एक राजा थे, नाम था सुकांत। साधु की भीड़ लगी है सुमेरु पर्वत पे, वहां पे चर्चा होती है राम जी की, जाने लगे सुकांत जी। सुकांत ने सोचा बड़े भाग्य से, वो भाग्य से संत मिलते हैं, संतों की दर्शन मिलता है, संत की सेवा मिलती है, इसीलिए हम चलो दर्शन कराते हैं सुमेरु पर्वत पर। इतने में सम्मुख में आकर के उपस्थित हुए नारद जी। बोले अरे सुकांत कहाँ जा रहे हो? बोले कि नारद जी ऐसा है, सुना कि सुमेरु पर्वत पर आज संतों की भीड़ हुई है, जा रहा हूँ दर्शन करने। ठीक है, अच्छी बात है, तुम जानते हो संतों के पास जाते हो तो क्या करते हैं? हाँ हाँ, संतों के पास जाते हैं सबसे पहले उनको उनके चरण धूल लेते हैं और उनको दंडवत करते हैं, उनकी सेवा यथा योग्य करते हैं। ठीक है, करना अच्छी बात है। सुनो, वहां पे बहुत साधु होंगे, राम जी के बड़े बड़े भक्त होंगे, तुम सभी को प्रणाम करना, सबकी सेवा करना, परंतु एक वहां पे एक और वरिष्ठ वैष्णव होंगे जो बड़े ही राम जी के प्यारे हैं, परंतु उनके चरण स्पर्श मत करना। बोले ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? ना, बस मैं जितना कहता हूं उतना ही पालन करो। कौन है साधु? साधु है विश्वामित्र। अरे विश्वामित्र जी, ठीक है। गए सुमेरु पर्वत पर वैष्णव मंडली में, सबको झुक झुक करके राजा सुकांत ने प्रणाम किया, परंतु अंत में केवल विश्वामित्र जो उनके सम्मुख थे उनको नकार के वो आगे बढ़ गए, दूसरे साधु के पास चले गए। सुकांत के इस व्यवहार को देख के बड़ी क्रोधित होकर के थे तो प्रताप भी बड़े क्रोधित ब्रह्मर्षि, अब उनके साथ से तीनों जगत भी जो उनको डरा है, जिनके साथ में रहने के लिए भयभीत है, तो ऐसी जो साधु है विश्वामित्र को उन्होंने अपमान करा। खाली उनकी अपमान नहीं, ये विश्वामित्र के अपमान है, आज तो ये पूरी संत समाज के अपमान है। इस बात को सोच करके तुरंत उस स्थान को परित्याग करके राम
दरबार में आए, देखे लक्ष्मण जी बाहर खड़े हुए राम जी की शयन की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो रखवाली कर रहे हैं कि राम जी को किसी प्रकार से उनके शयन में कोई बाधा ना आए, इसीलिए वो बाहर खड़े होकर के उनकी रखवाली कर रहे थे। विश्वामित्र जी आए, बोले कि लक्ष्मण राम कहाँ है? राम जी मेरे प्रभु तो विश्राम कर रहे हैं। विश्राम कर रहा है वो? ऐसा विश्राम कर रहा है ना, वो ऐसे ही सोता रहता है जिस राज्य के राजा ऐसे सोता रहता है, उस राज्य की प्रजाओं का भी हाल ऐसा ही होता है। जाओ तुरंत उनको बुलाओ कि उनकी गुरुदेव आए। लक्ष्मण जी गुरु जी की आज्ञा पालन करते हुए अपने बड़े भैया मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पास निकट आ पहुंचे। बोले कि प्रभु गुरु जी आए हैं, आपके दर्शन चाहते हैं, आप तुरंत पधारिए। दरबार में आए, बोले हाँ गुरुदेव, बड़े सत्कार किया राम जी ने, और राम जी ने सत्कार करके गुरु जी को उपवेशन कराया आसन पर। पूछे कि भगवान क्या बात है, आप इतने क्रोधित होकर के किस लिए मुझे जल्दी बुलाए? बोले कि देखो राम, सुमेरु पर्वत पर जो वैष्णव सभा हो रही थी उसमें शांत आया, सबको प्रणाम किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। अभिमान नहीं करता हूँ कि मुझे प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं क्रोधित हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि वो आज एक साधु की जगह साधु की अपमान, उसने घोर अपमान किया। अच्छा, मेरे गुरुदेव को ऐसे कौन ऐसा पापी हो सकता है, अपराधी हो सकता है जो मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसे मर्त्य बुद्धि आचरण रखता है? कल सवेरे होते ही मैं उसको मार दूंगा, उसकी सर धड़ से सर को अलग कर दूंगा। तो ये बात कैसे तैसे तैसे भी होकर के सुकांत राजा के पास पहुंचा। सुकांत ने देखा अब तो कोई त्राही नहीं है, अब तो मरना ही पड़ेगा। तो उसने तुरंत क्या किया, हरे कृष्ण, नारद जी को ढूंढते रहे। तो नारद जी के पास आए और नारद जी को बोले कि आप तो मुझे बताए कि उनको प्रणाम ना करने के लिए, पर आपने तो मुझे फंसवा दिया, तो आप ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोले कुछ नहीं होता, तुम एक काम करो, तुम वहां पे जाओ और अंजना जो है, जो हनुमान जी की माँ है, उनके पास जाकर के उनकी उनको बोलो कि मेरा रक्षा करो और बाकी सब काम हो जाएगा। तो वो आए और आकर के अंजना जो मारुति जो हनुमान जी है उनके माता के पास आए, बोले कि ऐसे ऐसे मुझे अभिशाप मिली है और विश्वामित्र में तो मारना चाहते हैं, विश्वामित्र मारना चाहते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, तुम जाकर के घर कोने में बैठ जाओ। हनुमान जी आकर के घर के कोने में बैठ गए। इतने में राम जी की सेवा करते हुए आपको जिस समय हनुमान जी पधारे, देखा माता बड़े चिंतित हैं। चिंतित माता की उस मुखमंडल को देख करके उनको बड़ा ही दुख लगा और उनने सोचे कि ऐसा पुत्र जो एकमात्र हुंकार से, जो बालक के समय में ही सूर्य को निगल गया, जिसकी इतनी बड़ी प्रताप है, जिसने राम जैसे इतने बड़े जो भगवान है, जो सबको धारण करने वाले, उनको मैं धारण कर लिया, ऐसे पुत्र होते हुए भी मेरे आज दुखी है, कारण क्या है माता, आप दुखी क्यों हो? इस बात को सुन करके बोले कि देखो, एक राजा है सुकांत, उसको भय है कि उसको विश्वामित्र मार देंगे कल सुबेरे प्रातः होते ही। तो विश्वामित्र को तो तुरंत सुकांत को बुलाया गया। सुकांत को बोले क्या हुआ? ऐसा है कि विश्वामित्र के कहने पर राम जी ने मुझे मारने की प्रण ले लिए, तो उससे पहले अंजना को उन्होंने प्रतिज्ञा करे कि देखो माँ, आपकी मैंने सारी प्रतिज्ञा करता हूँ, आप मुझे बोलो। तो उन्होंने बोले कि सुकांत की प्ररक्षा करना तुम्हारा, तुम इस चीज की प्रतिज्ञा लो। तो हनुमान जी उसकी प्रतिज्ञा लिया था कि प्रातः होते ही जिसने भी बोला है कि मैं इसकी प्राण लूंगा, मैं उसके प्राण नहीं लेने दूंगा, इसलिए उन्होंने वचन लिया था। जब इस समय उन्होंने सुना कि श्री प्रभु रामचंद्र ने उनको मारने के लिए तत्पर है, तो उन्होंने तो बड़ी चिंता में दुविधा में पड़ गए, अब क्या करें। तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, सुबह होते ही तुरंत उन्होंने चल दिए राम दरबार। वहां पे राम जी देख रहे हैं कि राम जी बड़े सज धज कर जा रहे हैं। बोले प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसा है कि वो अच्छा तुमने कैसे बच दे दिया? प्रभु मुझे पता नहीं था वो उसको मारने के लिए वचन आपने लिए हो। अच्छा ये तो बड़ा द्वंद में पड़ गए, कुछ भी हो मैं मेरी वचन पालन करूंगा, तुम जो करना है तुम करो।
दिन राम जी चले उससे पहले हनुमान जी निकल गए और सुमन को बोले कि तुम मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पीछे बैठ करके प्रभु श्री राम की नाम की जप करो। राम सियाराम सियाराम सीताराम सीताराम बोलते गए तो एक राम नाम की जो चक्र से नाम के चक्र से सुरक्षित हो गए। इतने में प्रभु आए, आकर के देखा कि उसने हनुमान जी के पीछे बैठा हुआ। अब सुकांत को उसने उन्होंने प्रभु रामचंद्र ने बाण मारने के लिए तत्पर हुए। कहते हैं कि राम जी के बाण अमोघ हैं। गुरुदेव सुनाते हैं कि उनके बाण छोड़ने में उनके स्वरूप कैसा होता है। जिस समय वो तुलिर से बाणों को निकालते हैं एक गुणा, जिस समय वो चढ़ाते हैं प्रत्यंचा चढ़ाते हैं 10 गुणा, जिस समय वो खेचते हैं 100 और जिस समय छोड़ते हैं 1000, जिस समय जाता है 1,00,000 हो करके और जिस समय वो शरीर विद करता है उससे करोड़ों गुना हो करके उसके प्राण ले लेना है। ऐसे राम की बाण अनुग है, ऐसे राम बाण उन्होंने छोड़ा और वो देखा कि वो बाण उस चक्र में लग लग करके टूट टूट के गिर रहा है। भैया ये तो पहले बार देखा। लक्ष्मण जी ने परेशान क्या किया जाए। हनुमान आप लोग समझ रहे कि नहीं, इस समय अभी हनुमान जी को पूछ कर नीचे सुकांत बैठा हुआ। अब बैठ करके हनुमान और सुकांत क्या कर रहे हैं, बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। जय रघुपति जब वो नाम जप कर रहे थे, भगवान का नाम क्या है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। जब भगवान को नाम जप कर रहे थे वो नाम स्वयं चक्र रूप में उनको रक्षा कर रहा था। वो हरि नाम कर रहे हैं ना, ठाकुर का नाम, चारी तरफ में ये नाम ही एक चक्र बना हुआ था। इसलिए जिस समय भगवान राम ने बाण मारे, जो बाण अचूक है, जो बाण वो अचूक है, वो बाण तो जाता है लेकिन जो चक्र में लग करके वही गिर पड़ता है। वो बाण को मारते हैं लेकिन वो बाण कुछ नहीं कर पाता, क्यों, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए स्वयं भगवान राम भी उसको कुछ नहीं कर पाए, बाण मारते ही गिर जाता है, गिर जाता है। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो प्रभु को बड़ा तंग कर रहा है, ये बाण कोई काम नहीं कर रहा है। इतने में लक्ष्मण जी उठाया बाण, उन्होंने बाण उठा करके, वो तो बैठा हुआ था प्रभु के पीछे है ना, हनुमान जी के पीछे वो बैठा हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को बाण जला दी। जब हनुमान जी को बाण चलाया, वो बाण लगा तो हनुमान के हृदय में, लेकिन लग गई हनुमान का हृदय में राम बेहोश होकर गिर पड़े। क्यों बेहोश होकर गिर पड़े, बोले हनुमान के हृदय में कौन है, कौन है, राम है। उसके हृदय में प्रभु जी के नाम का निवास है, लेकिन हनुमान जी के हृदय में लगते ही प्रभु राम बेहोश हो गए। जब प्रभु जी बेहोश हो गए, जब प्रभु को होश आया ना, इतने में उन्होंने श्री सुकांत जी को पूछे, बोले भैया तेरे को ये जो इतने विश्वामित्र जी को तुमने जो प्रणाम नहीं किया है, तुम्हारी ये कौन सा असत संग से तेरी ये बुद्धि हुई जो कि तुमने मेरे गुरु जी की प्रणाम नहीं किया। बोले असत संग से नहीं हुई, सत्संग से हुई। बोले सत्संग से, बोले कौन सा सत्संग से, बोले ये नारद जी के सत्संग से। बोले नारद जी के सत्संग से, बोले नारद जी ये बताओ तुमने ऐसे असत बुद्धि कैसे दिया। बोले प्रभु मैं जहां जहां जाता हूं दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा, दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, अभी किसको मैं कितना उतर दूं। मैंने सोचा ऐसे एक लीला कर लो सारा दुनिया को पता चल जाए हरि से बड़ा
हरि का नाम, इसलिए मैंने प्रभु ये लीला की। तब रामचंद्र बोले अभी बताओ, मैंने गुरु जी के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है, सवेरे ये सुकांत को मैं बध करूंगा गुरु जी के लिए। अभी गुरु जी को मैं मुंह क्या दिखाऊं, गुरु जी का वाक्य को मैं रक्षा नहीं कर पाया। इतने में श्री विश्वामित्र जी आ गए, इतने में श्री नारद जी सुकांत जी को बोले सुकांत जाओ जाओ, गुरु जी आए, विश्वामित्र जी आए, जाओ इनके चरण में गिर पड़ो। तो सुकांत जाकर के विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े, रोने लग गए, बोले मेरे अपराध को माफ करो। और संतों का जो हृदय है ना, बोले संत हृदय ना बनी मक्खन से भी कोमल है। संत संहार नहीं करते, संत संभारते हैं। विश्वामित्र जी जब उनके चरण में गिरे, विश्वामित्र जी बोले राम इसका अपराध को मैं माफ कर दिया, अभी तुम इसके अपराध को माफ कर दो। फिर राम माफ करते ही हाँ, विश्वामित्र माफ करते, राम भी माफ कर दी। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भगवान के नाम में कितने शक्ति है, ठाकुर जी की नाम में कितने शक्ति है। इसलिए भगवान के नाम हमें जप करने चाहिए। लेकिन महाप्रभु एक बात कहते हैं, मैंने कलियुग में इतना सरल कर दिया, लेकिन तभी भी ये कलियुग का जीव प्रभु का नाम नहीं जप करते। बैठ करके इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन बोले भैया थोड़ा माला जप करो, बोले समय कहाँ है, टीवी देखने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, सारे काम के लिए, तो गंदे काम के लिए समय निकाल देते हैं, लेकिन भगवान की भजने के लिए कोई नाम नहीं निकालते। इसलिए हम बैठ करके आज एक माला जप करके, ठीक है, ये माला निकालो, सबको दे दो एक, हाँ सबके सब यहाँ पर 5 मिनट लगेगा कि माला जप करेंगे। माला नहीं माल है, माला नहीं ये माल है, फटाफट दे दो, सबके हाथ में पकड़वा दो। और सबके सब समझना, वृंदावन में श्री वाक्य विहार जी के चरण में हम बैठे, ठीक है ना, ठाकुर जी के चरण में बैठ करके भगवान के नाम जप कर रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग होंगे, कम से कम 150 लोग होंगे, है ना। अभी जो हरि नाम करेगा इसका आवाज सबके कान में जाएगी, सबको कान में जाएगी। लेकिन आप करोगे तो एक माला, लेकिन आपको 150 माला करने का फल मिलेगी। इसलिए समझो आज 1 लाख नहीं 2 लाख हरिनाम हो जाएगी, और तुम्हारे नाम पर बैंक में 2 लाख रुपए फिक्स डिपोजिट हो जाएगी। फटाफट दो सबको, फटाफट दो। हाँ ये माला आपको लेने देने के लिए नहीं दे रहा हूं, लेने के लिए नहीं दे रहा हूं, कथा के बाद में मेरे को वापस, ठीक है ना। अभी कोई माला नहीं लेना, अभी हम 5-6 दिन कथा होगी, 5-6 दिन की जप करेंगे, लास्ट में जिसकी इच्छा होगी फिर आपको हम माला देंगे, ठीक है। सबके सब आंख बंद करके खड़ा दो, आंख बंद करके बैठ जाओ, समझो वृंदावन में श्री ठाकुर जी चरण में बैठे हुए हैं। इसी भाव से और मेरे साथ साथ में सबके सब माला करना, पूरा बोल करके देखो मेरे तरफ, ये अंगुल को टच नहीं करना, ये अंगुल को छूना नहीं, ये गधा हम बोलो, सबसे पहले ये निकलता बोलता हम उनको दे देंगे, सबसे पहले ये निकलता है, इसलिए ये अंगुल हम सीधा रखते हैं, और बीच वाले अंगुल पे रखना, ठीक है, बीच वाले। और ये सुमेरी को, ये सुमेरी राधा कृष्ण का स्वरूप, उसको अंगुल का एक तरफ में रखो, रख करके फिर मैं सब साथ में जप करो, ठीक है। आपने दे दिया कि नहीं, हो गया सब देना, पीछे पहुंच गए कि नहीं पहुंचा, अरे पीछे मान ही दिया समाप्त हो गई, ठीक है। हम लोग मेरे साथ में जप करो, आपको पूरा फल मिलेगा, ठीक है। तो आंख बंद कर दो, मेरे साथ में बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके सब जप करो, नहीं तो जब नाम जप कर रहे हो मतलब पाप ऊपर जा रहा है, लेकिन जाकर बैठेगा कहाँ पर जो नव जप नहीं करेगा, इसलिए सबके सब उसका हो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सब वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा, सब कोई लेना नहीं, सब माला वापस दे दो, जाओ दो चार व्यक्ति खड़े होकर के माला ले लो, हाँ सब के सब खड़े हो जाओ, हाँ देखो एक एक भक्त, देखो इधर एक एक भक्त, कल दस दस भक्तों को लेकर के आना, कल बताया था ना जिस लाओ उसको लेने वाले व्यक्ति को, लेने वाले व्यक्ति को आधा पैसा मिलेगा, इसलिए एक एक भक्त दस दस भक्तों को लेकर के आना। और जेपी भैया आज कोई प्रसाद दिया है, कौन दिया? वही रख दो, वही रख दो, वही रख दो, हरे कृष्णा। आज के प्रसाद की जो है पवन प्रभु विशाखा जाति, पवन प्रभु विशाखा, इधर आ जाओ, आप देखा हाल इन लोगों ने
दिव्य में प्रसाद मैंने दिया सबको, दिव्य दिव्य में प्रसाद बनाया सबको दिव्य में देने के लिए। आज के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ यहाँ पर आ जाएगा। और नंदलाल प्रभु इधर आ जाओ, नंदलाल जी और संजय कर प्रभु आप इधर आ जाओ, आप उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि भागवत में जो एक अर्थ का जाना देते हैं ना, ठाकुर जी जन्म जन्मांतर का उसको सारे दुखों कष्टों खत्म कर देते हैं। ठाकुर जी इन सबको ऊपर में आशीर्वाद दे, ठाकुर जी कृपा करिए खूब फलते फूलते रहे और खूब भागवत की सेवा करे। हाँ इधर आ जाए, हाँ कदम की माला लेकर बैठा कि भैया को माला नंदलाल प्रभु जी नाम हो ठीक है, ठीक अच्छी बात है। ये प्रसाद ना श्री राधे, सबके सब खड़े हो जाओ, अभी भजन गाएंगे सबके सब नाचने का, सब खड़े हो जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे बाकी बिहारी की
मेरे कीर्तन में नाचा नहीं ना तब एक जगह पर खड़े हो गया उससे फिर बने इसलिए सब सब नाचना ठीक है बोले हरी बोल हरी बोल देख लो किसका सामने नाचोगे ठीक है और एक बार